सूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री विशाखान विशाखान्वीता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रिय नमो ओम विष्णु पा कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातरिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गीता ओम श्री परमात्मने नमः अथ संजय सांख्ययोग्जय उच तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम् इदं वाक्यम् उवाच मधुषु श्री श्रीभगवान् वाचा कुतस्त्वा कस्मलमिदं विशमे समुपस्थितं अनार्यम् अजस्तमाश्वर्ग्यम् अकिर्ति करमर्जुना क्लब्यमासमग्नपार्था न एतत् त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप अर्जुन उवाच कतम भस्मामहं शङ्खे धृड़ं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजाह वरशूदन गुरुं नहत्वा हि महानुभावः श्रेयः भोक्तुं हिथ काम तो गुरुर्णिव भुंजीय भोगारा प्रदेधा ना चाएतम कतरनो गरी ये मा दिवेय या नी वह हजीजी श ते अवस्थिता प्रमुखे धात्र उपरिता स्वभाव प्रेक्षा ताम धर्म संूढ़ चेताश्रेयसा निश्चिम ब्रोहित

एव मुक्त्वा ऋषि केशौ गुणैकेषण परंतप नयतुस्या मृत्यु गोविंद उत्वा तु श्री भव तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयूरभयूर मध्ये वीसितं हरे कृष्णा प्रभुजे दस 10 श्लोक हरे कृष्णा बहुत सुंदर प्रभु जी धन्यवाद दीपिका माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम रामा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे धन्यवाद माता जी बहुत खुशी आपने भगवान के बोशन के लिए महामंत्र का जप किया श्री कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण आज डे थ्री है अध्याय टू है क्योंकि डे जीरो में हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था और कल हमने गीता का जो अर्जुन को एक व्यालता थी क्या स्वभाव था दुर्योधन का क्या सोच रहे थे क्या संजय ने उनको बताया और क्या वो पांच कारण थे जिनका की क्वेश्चन भगवान श्री कृष्ण को उनके आंसर देने हैं बस तो कोई अभी जितने भी डिवोटीज हैं जो कल पांच कारण थे जिससे कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे कोई चैट बॉक्स में बताएगा क्या चैटबॉक्स में डालेगा वो कौन से पांच कारण थे जो कल बताए थे जिसकी वजह से युद्ध नहीं लड़ रहे थे वो क्या पांच कारण है कोई बताएगा चैटबॉक्स में लिखिए आप हाँ फियर आ, पांच कारण क्या थे अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो गीता का सबसे पहला यही है कि गीता जब ही समझ में आएगी क्योंकि गीता ध्रष्टाचार को भी समझ में नहीं आई थी पूरा एक ही स्लोका बोला उसके बाद संजय समझाता रहा कुछ भी समझ में नहीं आया तो गीता समझने का यही है इससे पता चल जाता कि आप कितना डीपली समझ रहे हैं तो गीता में ये एक ऐसा काव्य महाग्रंथ है जिसको समझने के लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए होता है कि क्या बताया गया क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो भगवान श्रीकृष्ण जब आंसर देंगे तो आप उसको लिंक नहीं कर पाएंगे तो इसलिए वो पांच क्या कारण हैं उनके कुल का नाश बच्चे और क्षेत्रिया व्यवसारा हो जाएंगे उसके खुद का फैमिली का बुजुर्गों का साथ लड़ना जिन्होंने उसे युद्ध सिखाया जो पांच कारण थे जिसका नाम था बाकायदा कि ये पांच कारण हैं अपने भाई लोग सामने थे पाप का हाँ एक पाप हो गया बिल्कुल सही हो गया डर का नाश क्योंकि धर्म की तरफ थे किसी को मरना अधर्म कहलाता है आओ देखते हैं वो पांच क्या कारण थे आप सही हैं बिल्कुल लेकिन वो पांच कारण हम देखते हैं कि क्या थे जिनके आंसर यहाँ पे भगवान वन वाई वन देंगे पहला था दया उनको दया आ रही थी क्यों बहुत ही शुद्ध भक्त थे जब कोई मित्र किसी मित्र को देखता है कि वो समस्या में है जैसे श्री कृष्ण अपने मित्र को अपने सखा को अपने शुद्ध भक्त को देख रहे थे ऐसे ही जब कोई मित्र को देखता तो ऐसा ही अर्जुन का बड़ा दिल बहुत ही सॉफ्ट हार्ट थे कि उनको दया भी आ रही थी दूसरा कोई आनंद नहीं अर्जुन को लग रहा था कोई आनंद नहीं है इसमें इस ऐसे राज्य का क्या करेंगे जहां पे इतना ही हम बद करेंगे हम ताउों की अपने गुरुओं की हत्या करेंगे उनको कोई आनंद नहीं लग रहा था कि क्या करेंगे ऐसे राज्य का कि जिसमें कि हम कोई भी नहीं रहेगा कौरव नहीं रहेंगे हमारे गुरु नहीं रहेंगे भींस पितामा नहीं रहेंगे तो उन्हें कोई आनंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आनंद कैसे आएगा तो भगवान श्री कृष्ण उसको इसका भी आंसर बताएंगे कि क्यों वो क्यों सोच रहे थे उन्हें आनंद नहीं आ रहा तीसरा था पाप तीसरा था पाप पाप उन्हें लग रहा था कि इतने बद करेंगे तो मुझ पर पाप पड़ेगा जिससे कि बच्चे और स्त्रियां बचेंगी कुल का नाश हो जाएगा तो ये कि सारी जो कहते ना कि कुल जो चला आता है जैसे रघुकुल सदा चले आई प्राण जाए पर बचन है तो ऐसे जो कुल था उनका उनका नाश हो जाएगा पारंपरिक पर सारे जो प्रजा होगी उस प्रजा के जो क्षत्रिय भी होते उसमें ठीक है और राजा के जो मंत्रीगण होंगे उनकी सारी जो हैं स्त्रियां वो विधवा हो जाएंगी और इनपे पाप पड़ेगा तो इस पे उनकी पारिवारिक परंपराएं भी खत्म हो जाएंगी ऐसा लगा असमंजस थे वो दुविधा में थे तो उनका ये पांच क्वेश्चन थे जिसकी वजह से वो छत्री होते हुए भी अपना ड्यूटी नहीं कर रहे थे कार्य नहीं कर रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर वसादा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो आइए देखते हैं हम इसमें ये थोड़ा रिकैप था कि इन पांचों का श्री कृष्ण भगवान कैसे आंसर देते हैं जिससे कि अर्जुन आंसर पाके कैसे कन्विंस होते हैं और क्या आंसर है हम जब भी किसी मिलते हैं डिवोटी से या जो इंटरेस्ट दिखाता है तो मैं पूछता हूँ गीता पढ़ी है वो बोलते हैं हाँ पढ़ी है हमने फेसबुक पे पढ़ी है गूगल पे पढ़ी है हमने किताब पढ़ी है तो हम उनसे पूछते हैं सिंपल कि वो पांच क्या कारण थे जिससे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे फिर वो चुप हो जाते थे करे वो कारण तो उसमें नहीं पता मैंने पढ़ी थी ऐसी सरसरी नजर मारी थी और अच्छी लगी पर अच्छा मजा आ गया पढ़ के लेकिन ये नहीं पता है फिर मैंने उससे पूछा कि दूसरा क्वेश्चन पूछ ले चलो ये नहीं पता तो आत्मा और शरीर के बारे में भी पढ़ा होगा तो क्या होता है हाँ पढ़ा तो था, था कुछ उसमें लिखा तो था कि आत्मा अलग होती है शरीर अलग होता है अब इतना टाइम है कि पूरा ही पढ़ के उसको समझे फिर भूल भी जाते हैं थोड़ा बुढ़ापे का असर है और बच जो जवान होते हैं उनसे पूछे करें टाइम कहाँ मिलता है टीवी में जब लग जाते हैं तो टाइम ही नहीं मिल पाता फिर वो पढ़ा लिखा सब भूल जाते हैं तो ये आंसर है आज लेकिन जब गीता आप इतना जो ग्रंथ है महाकाव्य ग्रंथ है भगवान के मुख से निकला हुआ इसको समझना बहुत ही आसान है अगर आप इसको श्रद्धा पूर्वक समझते हैं नहीं तो संजय ही बता रहे थे ध्रष्ट को धृष्ट को कुछ भी समझ में नहीं आया गीता में कि भगवान क्या बता रहे हैं कुछ भी समझ उसका केवल मोह था वो जो मोह होता है वो मोह ही दिख रहा था कि हमारा बेटा उसके कंधे पे जैसे रखते ना बोलते कंधे बंदूक रख के चलाने कि मेरा बेटा मैं कैसे राज्य कर सकता हूँ मेरा बेटा कैसे कर सकता है अगर हार गया तो मैं भी चला जाऊंगा राजघराने से राजपाट चला जाएगा और मेरे बाद मेरे बेटे का नहीं होगा तो उसको गीता बिल्कुल ही समझ में नहीं आई और दूसरी तरफ संजय इतने खुश हो रहे थे कि उन्हें तो भगवान का इतना बड़ा जो होता है पुण्य मिल गया कि उनको दिव्य दृष्टि से वो जो भगवान बता रहे थे वो सुनने को मिल रहा था वो गदगद हो गए बिल्कुल उनको समझ में आ गई और अर्जुन तो सखा थे ही शुद्ध भक्त थे उनको भी समझ में आ गई तभी उन्होंने बाद में अपनी ड्यूटी की तो ये सो लस्ट ग्रीड एंगर जो बोला गया है जिसमें कि हम काम मोह क्रोध ये ही हमें नहीं समझने देते हैं तो इसे आगे देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने इन वन बाई वन एक सुंदर आंसर दिया इसका गीता में ये पांच ही क्वेश्चन है कोई आपसे पूछे कि गीता का जो सार है ये चैप्टर का नाम भी है चैप्टर टू का सार गीता का सार तो अर्जुन ने युद्ध क्यों नहीं किया तो युद्ध और ये सब भगवान की लीला थी अर्जुन तो बहुत शुद्ध भक्त थे गीता का उपदेश भी मानते थे सारे उनपे इंद्रियों का कंट्रोल था तो लेकिन तब भी उन्होंने ये किया क्योंकि भगवान को ऐसा करना था गीता को मुख से देना था और उसको वेद व्यास को लिखना था और उसके बाद ये हमारे लिए कलयुग में आना था जिससे कि हम आनंद में जीवन जी पाए टू पॉइंट वन संजय उवाचा तम तथा कृपया विष्टम सुरपूर्ण कुले क्षण विशीदंत मिदम बाक्य मुच संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अशपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन किशन ने ये शब्द कहे अब क्या कहे वो बताएंगे क्योंकि अर्जुन इतने दयालु थे जो पहले बताया गया है कि दयालु उनका शरीर कांपने लगा वो व्याकुल हो गए असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें युद्ध सोचना और युद्ध करना दोनों में फर्क है कि हम चलो लड़ाई करेंगे लेकिन वास्तव में सामने जब देखते हैं कि रिश्तेदार हैं ताऊ के बेटे हैं भाई हैं आचार्य हैं भीष्म पितामा हैं तो कैसे करें तो एक ये निशानी होती कि उनमें सारे ही लक्षण थे जो एक शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं जिसमें बोला गया हिंसा नहीं करना तो हिंसा कहा ये वेद और शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि हमें वैदिक आशे जो वैदिक जो आदेश होते हैं उसमें भी लिखा हुआ है मां हिंसायत हिंसा नहीं किसी भी जीव की हिंसा ना करें तो वो इसको पूरा ही वेद का जो बोलते हैं आज्ञा वो मान रहे थे अध्याय टू गीता का सारांश अब ये गीता का जो सार बोलते हैं वो गीता का सार आएगा टू पॉइंट टू श्री भगवान उहा कुतुस्तवास्मेह समूह अनार्यु गर्म की परम पिता परमेश्वर ने कहा मेरे प्यारे अर्जुन ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं अब श्री कृष्ण ने बता रहे हैं कि वो कि ऐसा कैसे हो गया दुविधा कैसे अर्जुन तुम्हारे साथ तुम्हें तो नॉलेज है वेद शास्त्र की नॉलेज है तुम क्षत्रिय हो राजघराने से हो तुम्हें आचार ने पढ़ाया हुआ है तो उनको बड़ा ऐसा लगा कि कैसी बात कर रहे हो अर्जुन कि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नहीं है जो जीवन का मूल्य नहीं जाते शुद्ध भक्त थे भगवान उनके मित्र थे रिलेटिव भी थे तो ऐसा क्यों करते हैं कोई जो तुम्हें बदनामी को ले जाएगा अब इसमें आप देखेंगे एक श्री भगवान उवाचा तो इसमें कहीं पे भी ये नहीं आया हुआ है श्री कृष्ण उवाचा तो श्री कृष्ण तथा भगवान एक हैं भगवान कौन है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण कौन है भगवान इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है हर जगह यही आएगा श्री भगवान और भागवतम में में भी परम सत्य की यही धारणा बताई गई है कि क्या बताया गया है बदंत तत्व यज्ञ परमोत भगवंत सब तो ये बोला गया कि भगवान जो है वो श्री कृष्णा है और श्री कृष्णा ही भगवान है और जो संस्कृत शब्द है जिसको बोला गया भगवान की जो ये संस्कृत शब्द है भगवान इसकी जो दिया है गीता में जो लिखा है वो व्यास देव के पिताजी हैं पराशर मुनि उन्होंने ये इसकी रचना की थी भगवान शब्द की तो भगवान यहाँ पे आता अब बात करते भगवान कौन होता है भगवान वो होता है जिसको जिसके पास इतना धन शक्ति Yes, सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग होता है उसको युक्त परम को पुरुष को भगवान कहते हैं तो वह भगवान कहलाता है तो ये की है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे अर्जुन ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई वे बे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता है तुम तो जीवन के मूल्य को जानते हो क्योंकि तुम इतने धनुर्धर हो क्योंकि उन्होंने युद्ध करके शिव जी से जो 50 पताश पात्र वो लेके आए थे और गांडीव था उनके पास तो वो तो इतना थे कि युद्ध लड़के हरा भी सकते थे और इतना वो छतरी होते हुए भी ऐसी बात कर रहे तो ये उन्होंने उनको बताया श्री भगवान ने ये आता है सेवन जो बहुत अच्छा श्लोक इस है इसको गीता में जरूर हमें पढ़ना चाहिए ये जो भी जो कोई पढ़ता है इसे वो गीता उसको समझ में आने लगती सबसे सुंदर ये हमारे गुरु जी ने भी बोला हुआ है कि ये टू पॉइंट सेवन है वो जरूर पढ़ना है इससे ही सब कुछ जो जो सार बोलते हैं इससे समझ में आने लगेगा कि क्या है गीता क्या है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कारपाड़ दो सो पहम धर्म सम्मू निश्चितम ब्रूह तनमे शिष्य प्रपन्नम अब मैं अपनी कृपा दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए कर हो उसे निश्चित रूप से बताए अब मैं आपका शिष्य हूं और सड़ागत हूँ कृपया मुझे उपदेश दें जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा ही सड़ागत हो जाता है अपना तो जैसे इसमें वो मित्र थे अभी क्या है कि उनको ज्ञान चाहिए तो एक जो ज्ञान ज्ञान वाला होता है वो ऑटोमेटिक ही क्या होता है वो गुरु का पद संभाल लेता है और जिसको ज्ञान चाहिए होता है वो शिष्य बन जाता है तब वो उलझन में थे दुविधा में थे तो उन्होंने भगवान का बोला कि मैं आपका शिष्य बन गया हूं। और इतने लोगों के सामने वहां पे लाखों लोग थे जो बोला छप्पन अछोड़ी सेना उनके सारे राजघराने के लोग सारे मंत्रीगढ़ कृपाचार आचार्य और भीष्म पितामा सारे खड़े हुए उनके सामने वो इतने लोगों के सामने सड़ागत हो रहे हैं तो ये ये दिखाता है कि हमें कभी भी अगर सड़ागत होना है अगर हमारा कोई भी प्रामाणिक गुरु या स्पिरिचुअल मास्टर है और हमें कोई दुविधा है तो हम उनके सड़ागत हो सकते हैं और उनसे हम गीता का जो भी है उपदेश जो भी बताया गया वो समझ सकते हैं तो इसमें हमें शर्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें उससे हमारा ही उद्धार होगा तो जो पांच क्वेश्चन है उनके आंसर अभी भगवान देंगे तात्पर्य क्या है यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यक्राम की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है तो हमें चिंता कब आती है क्योंकि हम भ्रम होते हैं शुरू में और प्रकृति के संसर्ग में आते हैं हमें हमें बंगला चाहिए नौकर चाहिए गाड़ी चाहिए हमें बहुत अच्छा सुंदर पत्नी चाहिए सुंदर बच्चा चाहिए सब कुछ ही सुंदर चाहिए हर चीज ही अच्छी चाहिए तो क्या होता है ये मोह आ जाता है ग्रीड अगर ये पूरी नहीं होती है तो हमें क्या होता है क्रोध आने लगता है जब क्रोध आ जाते हैं तो हमारी कहते हैं ना बुद्धि मारी गई मती मारी गई तो ऐसा ही तो ये सारा भौतिक कार्यकलाप है चिंता का कारण है पग पग पर उलझन मिलती है अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है अब अर्जुन को भी उलझन थी उन्होंने अपने जो सखा और जो भगवान थे उनसे अपना उनको गुरु बना लिया सड़ागत हो गए वो तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमें भी सड़ागत हो जाना चाहिए अगर हमें चिंता होती है और उलझन मिलती है इस जीवन में और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशक दे सके तो हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा में हम जिसको गुरु बना रहे हैं वो स्पिरिचुअल मास्टर बोनाफाइड है या नहीं है वो प्रमाणिक है या नहीं है तो प्रमाणिक का पता कैसे चलेगा कि जो श्री कृष्णा ने उपदेश दिए श्री कृष्णा ने जो वेद और शास्त्र की नॉलेज दी है को तो ब्रह्मा जी को दी ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी नारद जी ने वेद जी को दी वेद जी ने सुखदेव गोस्वामी को दी तो ऐसे करके नीचे तक चला आएगा तो इसमें थर्टी गुरु, गुरु, तो भी उलझन समग्र वैदिक ग्रंथ में यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए ये उलझने उस दावाग्नि के समान है कि जो किसी के द्वारा लगाए बिना भवक उठती है इसे किसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं कोई नहीं चाहता कि आग लगे किंतु फिर भी वह लगती है और हम आध्यात्मिक व्याकुल हो उठते हैं अतः मनुष्य को बौद्धिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए यही इस श्लोक का तात्पर्य है अब इस श्लोक का तात्पर्य बताते हैं प्रभुपाध ने अपने परपोट में लिखा हुआ इस टेक्स्ट का मतलब कि अगर तब भी आपको उलझन होती है अगर आपसे नहीं समझती है तो आप उसका ये ना करें जैसे नीट हो गया और आईआईटी का एग्जाम हो गया ए आई ट्रिपल ई का हो गया मेडिकल का पीएमटी हो गया कुछ भी हो गया कि हमने तैयारी की और हम उलझन में है कि हम होगा कि नहीं होगा तो ऐसी उलझने जब आती रहती हैं तो उलझनों से निकलना भी आना चाहिए ऐसा नहीं कि हम उसको वहीं पे छोड़ दें सबका एक सोल्यूशन है तो यहाँ पे भगवान उनको भी बता रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने शिष्य उनका बना लिया है और वो सड़ागत हो गए तो इसमें अगर सड़ागत हो गए उनके सारे ही क्वेश्चन का वो भगवान श्री कृष्ण आंसर देंगे और वो इससे निकल पाएंगे तो यहाँ पे यही इसका सार है कि हमें जब भी उलझन हो तो हमें प्रमाणी गुरु के पास जाना चाहिए अब देखिए आप वो अपने बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और उन्होंने सड़ागत कर दिया और कितने दयालुता के साथ उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मैं आपका शिष्य हूं सड़ागत हुए कृपया मुझे उपदेश दें तो ये होता है एक शुद्ध भक्त की निशानी कि वो ग्रहण करता है जब वो तैयार होता है भगवान श्री कृष्ण भी तभी होंगे जब शुद्ध भक्त के लिए तैयार हो जाएगा कठिन समय तो ये क्या है कि कठिन समय सभी के साथ आता है ठीक है आप किसके पास जाते हैं जैसे इसमें बताया गया है तो इसमें अर्जुन ने क्या किया आप उसी के बाद जब उलझन आती है भौतिक आप इसमें आसक्त हो जाते हैं तो भ से छुटकारा नहीं मिलता है तो आपको प्रमाणी गुरु के पास जाना चाहिए अर्जुन किसके पास है श्री कृष्ण के पास क्योंकि उन्हें वेद शास्त्र की नॉलेज थी उन्होंने तुरंत ही गुरु का पद अपना लिया और शिष्य को सड़ागत होने के बाद शिक्षा देनी उपदेश देनी स्टार्ट किया और बहुत बहुत ही शुद्ध भक्त उपदेश भी मान रहे थे तो यहाँ पे ये मिलता है कि जो शुद्ध भक्त होता है उसको ही भगवान उपदेश देते हैं उसको ही गीता समझ में आती इसलिए भगवान ने अर्जुन को इसका गीता का उपदेश दिया भगवान कौन है जैसे मैंने पहले बताया असोरस्य समग्रस्य वीरस्य असाहस्यर्य ज्ञान वैराग्यो सिचैव सनम सन्नम भग इति गंगना विष्णु पुराण 6.5.47 ईश्वर के लक्षण सबसे अधिक सुंदरता भगवान श्री कृष्ण जो आप देखेंगे इतनी सुंदरता 64 क्वालिटी थी कि उनको ऐसा शास्त्रों में वेदों में लिखा गया है कि मथुरा के उसमें जब उनको देख लेते थे नदी के किनारे यमुना के किनारे देख लेते थे तो लोग अपने घर पे भी वापस नहीं जाते थे अगर मुंह भी फेर लेते थे तो भी इतना ऑल अट्रेक्टिव थे कि उनको याद आती रहती थी इसलिए जो गोपी गीत बोला गया है गोपिकाएं थी वो इतनी लालयत रहती थी, थी उनके दर्शन करने के लिए ज्ञान ज्ञान तो इतना था कि उन्होंने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया उन्होंने ही गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन को तो ज्ञान की कोई कमी नहीं थी प्रसिद्धि प्रसिद्धि इतनी थी कि किसी भी वो राजस्वी यज्ञ में जाते थे जब दुष्टर जी ने राजस्व यज्ञ किया तो सारे ही जो भी वहां पे उपस्थित होते थे राजा या ऋषि मुनि वो सारे ही उनको प्रणाम करके उनकी उनको वो ऐसा रिस्पेक्टिव जो बोलते पोजीशन देते थे कि उनकी चारों तरफ प्रसिद्धि थे बहुत ही वो ज्ञानवान भी थे सुंदर भी थे और प्रसिद्धि भी थी क्योंकि वो बहुत ही निपुण थे बोलने में कि उनके पास नॉलेज थी धन धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी द्वारका में ऐसा लिखा हुआ है कि 16108 उनके महल थे जिसमें कि हीरे जवाहरात लगे हुए थे उस समय आज खरबों अरबों रुपए का होगा अगर वेल्यू देखी जाए उस समय पृथ्वी पर इतना धनमान कोई नहीं था द्वारकापुरी का जो वर्णन है शक्ति शक्ति तो इतनी थी कि उन्होंने नहीं युद्ध लड़ा तो भी युद्ध जिता दिया अपनी शक्ति दे और जितने भी उस समय युद्ध लड़े जितने भी उन्होंने छत्री होती है युद्ध लड़े कोई भी युद्ध नहीं हारे कोई उन्हें नहीं हरा पाया इतनी शक्ति थी त्याग उनसे ज्यादा त्याग किसने किया होगा वो त्याग का एक ऐसा उदाहरण है कि कहाँ पे उन्होंने जन्म लिया कहां पे पालन हुआ। उसके ने तरह तरह के क्या राक्षस भेजे राक्षसनी भेजी उसके बाद उनको वहां से सताया गया उसके बाद इंद्र ने वर्षा की कितना त्याग उन्होंने ओपिलियंस उन्होंने त्याग किया सब ग्वाल वालों के साथ कभी कोई उनको सताता कभी कोई तो उन्होंने क्या क्या किया उन्होंने सारथी बन के अर्जुन का सारथी बन के क्या किया सूत्र का भी किया तो उन्होंने सारा ही उनको ये बताया कि हम कैसे जो छह गुण है उसकी वजह से जो भगवान के लक्षण है ईश्वर के लक्षण है जिससे भगवान बोलते हैं तो उसका ये वर्णन दिया गया और इसका हमें जब एहसास होता है इसमें लिखा क्या हमें इसका एहसास है हमें एहसास होता है तो हमें भगवान की परिभाषा पता चल जाती है कि भगवान कौन है ईश्वर परमह कृष्णा सच्चानंद विग्रह आन दिशा दिर्गोविंद सर्वकार ये बोला गया कि भगवान श्री कृष्ण है वो ही एकमात्र सच्चिदानंद विग्रह एक ही भगवान है परमेश्वर अब इसमें क्या जानेंगे जो सीखते हैं गीता से कि ये तीन तरह का बताया गया जो इसमें हम जानेंगे एक तो जानेंगे ब्रह्म ज्योति क्या होती है परमात्मा और परमेश्वर ये तीन चीजें हम आगे इसमें देखते हैं मैं क्या देखता हूं अगर दृष्ट सही हो तो कृष्ण कौन है ये क्वेश्चन आता है अगर हम किसी पहाड़ को बहुत दूर से देखें तो हमें बहुत ही धुंधला और बहुत छोटा दिखाई देगा कि मैं क्या देखता हूं लेकिन जैसे ही हम उसके पास जाते हैं तो पहाड़ क्लियर हो जाते हैं उसके वृक्ष दिखने लगते हैं हमें और नजदीक जाते हैं तो हमें वृक्ष दिखने लगते हैं और उसके नजदीक जाते हैं तो वृक्ष पे बैठा हुआ पक्षी दिखता है और नजदीक जाते हैं तो पृथ्छ पे बैठा हुआ पक्षी दिखता है तो यहाँ पे भी भगवान को जब हम देखते हैं तो एक प्रकाश दिखता है बहुत एक चंद्रमा जैसा प्रकाश दिखता है लेकिन और नजदीक जाते हैं गीता को और समझते हैं भगवान श्री कृष्ण को और समझते हैं तो क्या होता है भगवान इतने सुंदर दिखते हैं कि वो अपने जो बोला गया है कि गोलोका में इतना आनंद में जीवन जीते हैं और अपने जो भी पक्षी हैं वहां पे जो भी उनके शुद्ध भक्त हैं उनके साथ वार्तालाप करते हैं इतने सुंदर अगर हम समझ जाते हैं तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि हमें दूर से जब देखते हैं तो कोई चीज ढंग से नहीं दिखाई देती है क्लियरिटी नहीं आती है तो हमें पास से देखना चाहिए हमें और समझना चाहिए हमें और समझना चाहिए तो ऐसा ही गीता लेवल गीते के चार लेवल हैं ये गीता का लेवल वन है और ज्यादा समझना भगवान को और नजदीक जाना है अभी छोटे दिखाई दे रहे हैं और बड़ा करना है तो लेवल टू जाइए और बड़ा करना तो लेवल थ्री जाइए और बड़ा करना तो लेवल फोर जाइए भक्ति शास्त्र में जुड़िए पूरा ही भगवान का आपको पूरा स्वरूप रूप गुण सब पता चल जाएंगे कि भगवान क्या है वन पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट वन वन टू का ये आंसर है देहिनो देहनो अस्मंत्या दह कोमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्त धीरस्तत्र नाह मुहति जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसार होता रहता है उसी प्रकार मृत होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है धीर व्यक्त ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता अब उन्होंने आंसर देने स्टार्ट कर दिए जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बार्ल्यावस्था से तड़ मतलब जब हम पैदा होते हैं तब तो हम बालक होते हैं उसके बाद किशोरावस्था में जाते हैं फिर फिर हम जवान होते हैं फिर पौड़ावस्था में जाते हैं और धीमे धीमे फिर हम उसी स्थिति में आते हैं और हम डिसीज होके या विदउट डिसीज हमारी मृत्यु हो जाती तो ये अग्रसर रहता है हमारा शरीर का परिवर्तन पर आत्मा ऐसे परिवर्तित नहीं होती है आत्मा एक जैसी रहती जैसे डे फर्स्ट है वैसे डे लास्ट रहती है तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया उसी प्रकार मृत होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है कैसे चला जाता है जैसे हम कपड़े बदलते हैं पुराने कपड़े हो जाते हैं हम पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहन लेते हैं ऐसे ही जो आत्मा होती है व्यर्थ और बेकार का शरीर त्याग कर नए शरीर मतलब जो बालक पैदा होने वाला होता है वो नए शरीर में प्रवेश करती है अगर नए में करेगी तो पैदा कैसे होंगे तो पैदा होते तो ये ऐसा चक्र चलता रहता है लेकिन जन्म मृत्यु से अगर छुटकारा चाहिए तो आपको भावना भावित होना पड़ेगा भंधन से छूटना पड़ेगा प्रत्याग करना पड़ेगा जो भी ये भौतिक आसक्ति है उसके बाद आप गोलू का जा सकते हैं और नहीं तो आपको अच्छा करते हैं आप सतोगुण में रहते हैं तो आपको उच्च का मिल सकता है ये आपकी पूरी उसकी जो अवस्थाएं हैं वो बताई गई हैं राइट right साइड में कि अब कैसे कैसे हम जो हमारे तड़ो अवस्था से जो हमारा चक्र चलता है सिक्स स्टेप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं वापस हम वहीं पे आ जाते हैं जहां से हम स्टार्ट होते हैं तो जिसकी मन, जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है इससे ये पता चलता है पर आत्मा कभी ना मरती है ना कभी उसका पैदा होती है वो भगवान का आंसर टू पॉइंट वन वन टू पॉइंट थ्री जीरो का फिर आंसर बांसां जीडानी यथा भी है नरो पड़ार, तथा जीड़ा, नियानी नवानी देही। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है तात्पर्य क्या है अड़ु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है आधुनिक विज्ञानी जन तक आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते पर साथ ही हृदय थे की भी नहीं कर पाते परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल काल से कौमार अवस्था और फिर तड़ा तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं वृद्धावस्था से ही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थान हो जाता है तो इसमें क्या है कि ऐसा समझ सकते हैं कि शरीर में अगर हमारे चेतना है भगवान का अंश है तो तो हम चलते हैं अगर शरीर से चेतना निकल जाए कहते हैं उसका शरीर ठंडा पड़ गया उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगी तो ऐसे ही बराबर है जैसे कि मार्केट से टॉयल आते हैं और उसमें सेल डाल दें तब तो वो चलने लगता है लेकिन सेल निकाल दें तो वो हो जाता है लेकिन हम शरीर आत्मा को और सेल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं एक तो जस्ट एक एग्जाम्पल है बताने के लिए ठीक है क्योंकि वो मृत है ये ये जन्म लिया हुआ है लेकिन ये वैसे ही काम करता है तो आत्मा जब निकल जाती है तो इस शरीर को सड़ने गलने से कोई नहीं रोक सकता आप इसको रख ही नहीं सकते हैं तो या तो फ्रीजर में रखना पड़ेगा पर उसमें भी आत्मा चिंता जो बोलते हैं ना चेतना नहीं होगी आप उसे सड़ने गलने से ऊपर से बचा सकते हैं पर वो अंदर से खराब होने लगेगा सारे उसके अंग ऑर्गन है वो सारे खराब हो जाएंगे तो बचा नहीं सकते हो पर आत्मा का वो ऐसे स्टेप्स चेंज नहीं होते हैं कि वो किशोरा अवस्था में गया बालक अवस्था में गया तड़ो अवस्था में उसका कोई भी साइकिल चेंज नहीं होती है उसका आपको डिटेल अब आगे मिलेगा नयनम नम छिदंती संस्त्राणी नैनम पाव ना, चैनम के ना सो टू टू थ्री। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है और न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है ये भगवान कहते हैं क्योंकि इतना सूक्ष्म कि है कि किसी भी जैविक किसी भी भौतिक हथियार से किसी धारदार हथियार से इसको नहीं काट सकते मार सकते सुखा सकते जला सकते हैं क्योंकि जब भी हमारी बॉडी पे घाव होगा तो वो बॉडी पे घाव होगा आत्मा पे नहीं होगा हम जलाया जाएगा तो हमारी स्किन जलेगी हमारा बॉडी जलेगी आत्मा नहीं जलेगी तो ऐसा ही इसमें बताया गया है कि आत्मा के जो परमाणु हैं है, वो क्या हैं अनंत कण हैं जो मापे जाने पे जो जो हमारा बाल होता है उसके जो अग्रभाग होता है उसके दस हजार में अंश के बराबर होते हैं मतलब उसका हिस्सा कर दो जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा तो इतना हमें में इतना सूच में तो इसीलिए वो किसी भी भौतिक और जैविक से नहीं देख सकते ना उसे मार सकते ना भिगोल सकते हैं ना सुखा सकते ना जला सकते हैं बॉडी का कर सकते हैं बॉडी इसके विपरीत है सब कुछ कर सकते हैं बॉडी को खंड खंड कर सकते हैं शरीर को अग्नि से जला सकते हैं शरीर को भिबो सकते हैं वायु द्वारा सुखा भी सकते हैं अब ये अब ये क्या हुआ ये आंसर आ गया जो पांच क्वेश्चन थे ना कि जिसमें बोला गया था कि ये पाप है क्योंकि वो सोच रहे थे हम हम अब ये आ गया कि तुम बॉडी का नाश करोगे आत्मा तो दूसरे दु, दु, रूप में चली जाएगी ठीक है तो उनका ये आंसर आ गया यहाँ पे भगवान अब सबके सभी का आंसर दे रहे हैं जो बोला था कि ये दयालु पाप पुण्य और ये पारिवारिक ये सब उनका धीमे धीमे अब आंसर दे रहे हैं तो इसी में सारे आंसर हो जाते हैं तो यहाँ पे क्लियर कर दिया भगवान ने कि तुम जो बध करोगे वो एक बॉडी का वध करोगे किसी आत्मा का वध नहीं हो सकता है ठीक है इतनी सूक्ष्म है चेतना है भगवान का अंश है तो इसलिए तुम व्याकुल नहीं हो शरीर और आत्मा में कैसे हम पोषक लेते हैं तो ये शरीर के लिए और आत्मा के लिए बताया गया कि शरीर के लिए जो तनाव होता है निराशा होती है डिप्रेशन होती है चिंता और आदि होती है और शरीर के लिए हम क्या करते हैं हम पोषक लेते हैं भोजन खाते हैं लेकिन आत्मा का क्या भोजन है आत्मा के लिए है श्री कृष्णा का जपा मंत्र उनके लिए संकीर्तन करना कीर्तन करना शुद्ध बैषण के साथ संसर्ग में रहना और जब भी आपको मौका मिले तो मंदिर जाना भगवान की पूजा अर्चना में पार्टिसिपेट करना और डिवोशनल सर्विस में लगे रहना ये जब अगर हम करते हैं तो हम शुद्ध भक्त कहते हैं ऐसे लोग करते हैं वो मुक्ति के मार्ग पे जाते हैं जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है हम चालक आत्मा और चलित शरीर के बीच पोषण के असंतुलन को कारण मनोबल महसूस करते हैं तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम दोनों को बैलेंस करने के लिए कि शरीर को चलाने के लिए हम पोषक लेते हैं जिससे कि शरीर चलता है और आत्मा के लिए हमें हमें क्या करना चाहिए हमें भगवान का जपा जो कि भौतिक में यहाँ पे बोला गया है कलियुग के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है कि हरे कृष्णा का जो महामंत्र है वो हमें जपना है तो ये आत्मा का पोषक दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा आप शरीर को तो अच्छा दिए जाए लेकिन आत्मा के लिए क्या तो आत्मा के लिए आपको करना पड़ेगा 2.31 से लेके 2.37 पॉइंट निंदन्ते ततो दुखन तरम उपास करेंगे तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है उन्होंने बोला हे hey अर्जुन अगर तुम छत्री हो युद्ध नहीं लड़ते हो तो तुम्हारा क्या बोलेंगे देखो वो डरपोक निकला और युद्ध युद्ध करके भाग गया तो तुम क्या जी पाओगे रह पाओगे इससे इससे ज्यादा तुम्हारा क्या दुखदायी हो सकता है तो हमें कोई भी हमारा मित्र सगा संबंधी होता है वो हमें अच्छी ही राय देता है हम कभी भी अगर प्रॉब्लम में तो वो अच्छी ही राय देगा बताएगा तो भगवान भी उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे जो शत्रु हैं ऐसे ही आज के समाज में भी शत्रु जब भी मौका मिलता है हमारा उपास नहीं छोड़ते हैं करते जरूर हैं तो ऐसा ही वो बोल रहे हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं लड़ोगे क्षत्रिय हो तुम यहाँ पे तो कायर बोलेंगे कि वो देखो भाग गया उसमें युद्ध करने की क्षमता नहीं थी जबकि अर्जुन के पास उस समय वो उनके पास अस्त्र थे जो उस समय पृथ्वी पर किसी के पास नहीं पतास्तु जो उनसे लेके आए थे लेव से और उसके बाद उन्होंने इंद्र भगवान से से भी लिए हुए थे इंद्र देव से और उसके बाद उन्होंने अलग अलग जितने भी ऋषि मुनि थे उनसे उनको काफी वो मिला हुआ था जिसको आशीर्वाद बोलते हैं उन्होंने ऐसे किया हुआ था आचार्य उनको धनुर्विविद्या दी हुई थी भगवान उनके साथ थे तो ऐसे के बाद भी अगर वो बोल रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे तरह तरह से उपास करेंगे और तुम इससे तुम्हारा कितना हो, क्या हो सकता है कि बोला जाए तो एक ब्राह्मण हो गया अगर वो उसे बोले कि वो वैदिक शिक्षा शास्त्र नहीं दे रहा है अपना कर्म नहीं कर रहा है तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि छत्र, एक छत्रिय अपना कर्म नहीं कर रहा पीठ दिखा के भाग गया हतो बा प्राप्त स्वर्गम जित्वाह बाहोच से महीम है, युद्धाय पुत्र, तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो अब जो क्वेश्चन बताए गए थे दयालु हैं उनको काफी पाप लगेगा कुल का नाश हो जाएगा उनके सबके धीमे धीमे आंसर आ रहे हैं कि अब तुम क्यों व्याकुल हो ऐसा क्या है क्यों तुम्हें लग रहा पाप होगा क्योंकि तुम तो बॉडी को मार रहे होगे आत्मा को नहीं आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता है तो खुश रहो दूसरा तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि हम व्याकुल हैं हम युद्ध नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो तुम्हारा फायदा ही है दोनों तरफ से अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी पे स्वर्ग जैसा साम्राज्य का भोग करोगे तो अतः दृढ़ कर खड़े हो और युद्ध करो डू योर ड्यूटी डू योर कर्मा वो ये बता रहे आपको कर्म करना पड़ेगा और यहाँ पे तो भगवान बोल रहे हैं भगवान उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भगवान के लिए युद्ध करो तो आपको तो वैसे ही स्वर्ग प्राप्त होगा तो ऐसा उनको दोनों तरफ ही बताया गया तो इसलिए वो तैयार हो जाए युद्ध के लिए तो ऐसा कब कोई बताता है जब कोई किसी का भला चाहता है तो भला भगवान चाहते थे कि उनका भला हो तो वो दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो ऐसा उनको बोल रहे हैं अब उसके बाद आता है कि नेहाभि क्र विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रयायते महतो महुत इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही वास इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है वो कह रहे इसमें तुम्हारा कोई हानि नहीं है तो हानि इस पथ पर कोई हानि नहीं होती है क्योंकि जब धर्म युद्ध होता है तो हमें हमेशा ही धर्म की विजय होती है उसमें कोई पाप और पुण्य होता है जैसे कि इसमें एग्जाम्पल जो दिया गया है कि हनुमान ने भगवान राम के लिए लंका का दहन कर दिया था तो क्या हनुमान को आज नहीं पूजते हैं हनुमान को पूजते हैं क्या उन्होंने पाप किया था नहीं पाप किया था क्योंकि वेद और शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है उन्होंने भगवान राम के लिए धर्म के लिए उन्होंने लंका दहन की थी भगवान के आदेश पे की थी तो ये क्या होता है जब भगवान के लिए शुद्ध भक्त करते हैं क्योंकि भगवान की लीला के लिए करते हैं तो वो पाप नहीं होता है दूसरा विभीषण विभीषण भी वहां पे तीन भाई जो विभीषण कुंभकर्ण और रावण थे तो उनको वरदान मिला हुआ था कि इनमें से दो हैं वो असुर जात में रहेंगे और तीसरे को भगवान की राम की प्राप्ति होगी कृष्ण की प्राप्ति होगी तो विभीषण उन्हीं के भाइयों में होते हुए असुर प्रवृत्ति में नहीं थे और वो रा, राम जी से मिले आके जब भी उनको तरह तरह से लंका में बोला गया कि देश निकाला कर दिया ये अपने उसने गद्दारी की वो की लेकिन विभीषण को आज भी पूजा जाता है तो एक साउथ में इंद्राणी कुछ करके गांव है उसमें इनकी बाकायदा मंदिर है पूजा होती है तो ऐसे शुद्ध भक्त जो कि भगवान के लिए उनके इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं उनका कभी भी हानि नहीं होती इसका मतलब यहाँ पे ये बताया गया और भगवान हमेशा ही उनकी रक्षा करते हैं जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है वो भ, जो भी गुरु बोले वो उसके लिए अपनी जो सीखना बोलते हैं जिसको वेद और शास्त्र की नॉलेज होती है तो उसको वो सीखता है और भगवान के लिए यूज करता है क्योंकि ये सारा ही रिसोर्स ऑल क्रिएटर किसका है भगवान का है आंसर अब उनका फाइव आंसर व्यवसाय तक महा बुद्ध केहने कुरुनंदन हा बहुसाखा हना बुद्धा व्यवसाय नाम जो इस मार्ग पर चलते हैं प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है हे कुरुनंदन जो दृढ़ प्रतज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विवेक्त रहती है तो जैसे कह रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेट नहीं होते तो हम पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाते हमें याद नहीं होता है तो हर चीज के लिए लक्ष्य भेदना है उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम जो पथ है उस उसपे हम चल पाते हैं और अपने जो भी हमारा टारगेट है उसको हम भेद पाते हैं उसको पा जाते हैं तो वो यही पे कहना चाह रहे हैं कि जो तुम पांच तुम्हारे जो सुविधा के लिए क्वेश्चन है उनका आंसर ये उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि प्रयोजन करो उठो और डू योर ड्यूटी अब उसके बाद वो बताते हैं 45 में कि भाव अर्जुन द्रद्वंद वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है ये अर्जुन इन तीन गुणों से ऊपर उठो समस्त द्वयतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मप्रायड बनो वो कह रहे हैं कि लाभ से खुश होना और हानि से दुखी होना इससे स्टेबल माइंड जाओ इन जो भी भौतिक गुण हैं उनसे ऊपर उठो और भग, भगवत भावना जो बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत कृष्ण भावना भावित और उसके लिए जो योगा होता भक्ति योगा करो तो तुम प्रायड बनो और इससे स्टेबल माइंड के साथ तीनों गुणों के जो वर्णन किया गया उससे तीनों गुणों से ऊपर उठो तो वो ऐसा बता रहे हैं फोर्टी सेवन में मा कदाचन, मा कर्म हे तु तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है किन्तु तो कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मारो ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो वो कह रहे कि कर्म तो तुम कर सकते हो पर अगर कर्म करके तुम फल की इच्छा कर रहे हो तो शुद्ध भक्ति नहीं हो तो कर्म करो फल की इच्छा मत करो वो मुझ पे छोड़ दो मतलब भगवान पे छोड़ दो तो फलों के अधिकारी नहीं हो क्योंकि भगवान ही उसका फल देता है तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और तुम मत मानो क्योंकि मैं बोल रहा हूं भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि भगवान उनका ऐसा द्वंद चला उनके मन में कि ये गीता का उपदेश सुनाया जाए तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो और कर्म करते हुए आसक्त हो जाओ ठीक है और इसमें भगवान कह रहे हैं कि अपना डू योर ड्यूटी आप कर्म से नहीं भाग सकते हो तो कर्म आपको करना ही पड़ेगा तो आज भी हम इस कलयुग में भी हम आए हुए जहां पे बोला गया कि आप कर्म संन्यासा जिसे बोला गया कर्म त्याग नहीं सकते हो आपको कर्म तो करना पड़ेगा डू योर ड्यूटी ड्यूटी तो करना पड़ेगा पर डिवोशनल सर्विस हो गए तो आपको भक्ति होगा जो बोला गया युक्ता बैराग्य जो बोला गया वो आपको सबसे अच्छा बैराग्य बोला गया वो करना पड़ेगा भगवान के लिए कर्म करने पड़ेंगे जिसको निष्काम बोलते हैं जिसकी फल की इच्छा नहीं होती है उसके बाद 55 में श्री भगवान उवाचा, तो आप ये देख रहे होंगे कि भग, श्री कृष्ण उवाचा नहीं आता श्री भगवान उवाचा हर जगह कि श्री भगवान ने बोला हुआ है तो प्रजा हाथ यदा कामान से सर्वान पार्थ है मनोगतानी आत्मनि बेब आत्मन हा है। श्री भगवान ने कहा हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से, मनो से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्त की समस्त कामनाओं का प्रत्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रग कहा जाता है अब इसमें कल भी कुछ प्रभु जी ने माता जी ने बोला था कि जैसे उलझन रहती है टेंशन रहती है डिप्रेशन एंजाइटी रहती है ये कब रहती है ये जब रहती है जब हम मोह मतलब भौतिक से बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता तो भगवान क्या बता रहे हैं अपने पार्थ को अर्जुन को कि जब मनुष्य मनोधर्म से, मनो से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्त की समस्त कामनाओं का प्रत्याग कर देता है उनका प्रत्याग कर दे जो कि भौतिक आसक्ति है जिसमें कि मोह आता है ठीक है काम आता है लस्ट जिसे बोला गया और उसकी वजह से ही हमें ये भौतिक गुणों की आसक्ति हो जाती उसी की वजह से हमें ये सारा कुछ होता है अगर उनका त्याग कर दोगे और इंद्रियों पे कंट्रोल करोगे इंद्रिया मतलब जो पांच बोली गई हैं जिसमें कि आंखों से देखें तो भगवान का विग्रह ही देखें भगवान को ही देखें कानों से भगवान के बारे में गुणगान सुने जैसा अभी सुन रहे हैं ठीक है मुख से जब बोले तो भगवान ने जो गीता में लिखा हुआ वो बोले और महामंत्र का जाप करें और इसी से प्रसादम खाएं नाक से भगवान के चढ़े हुए फूल सूंगे जो उनके मंदिर में चढ़ते हैं विग्रह पूजा करते हैं और हाथों से भगवान की सेवा करें गीता पढ़ें, गीता के श्लोका लिखें, तो ये बोला गया है तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके मन को कंट्रोल कर लेगा मन लगाम जैसे घोड़े की लगाम होती है और मन को कंट्रोल कर लेगा तो वो बुद्धि को कंट्रोल कर लेगा ठीक है बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी तो वो ज्यादा खुशी होगी बहुत पैसा आ गया तो हंसेगा नहीं हाहा करेगा और कोई अगर उसके साथ हानि भी होती है गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए और उसके स्क्रैच आ जाए कुछ पैसा है उसका जो भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है उसमें लॉस हो जाए तो वो उससे परेशान नहीं होगा तो ये स्टेबल माइंड हो जाता है तो ऐसा वो भगवान बोल रहे हैं कि इसमें स्थित हो जाओ नहीं तो आप जो राइट साइड में आपको दिखाया गया कि चारों तरफ ही बाधाएं आती हैं तो लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी बाधा से नहीं डरते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि, कि कितनी तरह से डराया जा रहा है लेकिन एक बालक है जो शुद्ध भक्त है उस पे एक रोशनी आ आ रही रही है है भगवान की कृपा उसे कोई भी विचलित नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दो देख सकते हैं कि हेड़ा कश्यप के बेटे उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ भगवान इतनी रक्षा की और नृसिंगा अवतार लेके उनका वध किया ऐसे ध्रुव महाराज किया थे पांच साल की उम्र में उन्होंने बड़े राज्य की कामना करके निकले और नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया कि भगवान की पूजा करो तो उन्होंने वहां पे जाके पांच साल की उम्र में जंगल में जाके कंद मूल फल खाके गुजारा किया और दिन रात उनको भगवान की प्रार्थना की तो भगवान आए और फेस टू फेस जैसे बोलते हैं दर्शन नहीं देना फेस टू फेस जैसे बोलते हैं प्रसेंस और उनको दिया तो उनको राज्य की थी कि मेरे पिता से ज्यादा बड़ा राज्य मिले लेकिन जब, का जब करते तो उनको भौतिक कुछ नहीं चाहिए तो आए तो बोला कि अब आए हैं तो देंगे तो कुछ भी तो बोलते हैं कि ध्रुव तारा मंडल जो बोला कि यूनिवर्स में तो उनको इतना अच्छा उच्च पद दिया तो ये भगवान करते हैं प्रहलाद महाराज की कहानी की हिड़ा कश्यप को उन्होंने भगवान की थोड़ा भजन अर्चन किया तो उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो असुर प्रवृत्ति के हो गए पर उनमें उन्होंने बहुत ज्यादा वरदान लिए हुए थे पूजा पाठ करके तो उनको भगवान का अपनी रक्षा करने के लिए उनको नरसिम्हा का अवतार लेना पड़ा तो ये सब भगवान क्यों करता है वो ये दिखाता है कि जो भी शुद्ध भक्त होता है उसको हम किसी न किसी तरह से उसकी मदद करते हैं उसको हम रक्षण करते हैं श्यप कश्यप हो गया ये श्रील प्रपाद अपना सिंपल भोजन खुद ही बनाते थे प्रसाद रूप में लेते थे बहुत ही शुद्ध बैसण तो ये ये भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे मनोविज्ञान था इंटायर साइंस साँग ऑफ साइकोलॉजी इन टू ये आ, आएगा अभी जो आपके बताया गया था ध्यातो बियान पुन पूजा जायते संगास्त क्रोधो क्रोधोते इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्त उत्पन्न हो जाती है और ऐसी क्रोध उत्पन्न होता, उत्पन होता है अब होता क्या इंद्री विषयों जो भौतिक के लिए हम कर्म करते हैं जैसे कि हमारा अच्छा पैसा आ जाए गाड़ी आ जाए नौकर चाकर आ जाए पड़ोसी से ऊंची बिल्डिंग हो जाए तो ये भौतिक आसक्ति जब आता है तो हम चिंतन कर लेते हैं और फिर हमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है आसक्ति फिर हम सोच समझ नहीं पाते कि हमें कितना चाहिए हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तो ऐसी भौतिक जब आसक्ति हो जाती है तो उससे हमें क्या होता है लष्ट काम उत्पन्न हो जाता है और काम उत्पन्न हो जाता है अगर वो पूरा नहीं होता है जो ग्रीड होती मोह की वजह से तो हमें क्रोध आता है कोई चीज हमारी मनमानी पूरी नहीं हो तो हमें क्रोध आ जाता है कि हमारा इतने परसेंटेज आने चाहिए थे नहीं आए तो हमें क्रोध आ गया इतने रुपए आने चाहिए थे, नहीं आए तो क्रोध आ गया नई गाड़ी ले गए गा, बच्चे ने स्क्रैच डाल दिया या पड़ोसी डाल दिया कहीं रास्ते में कुछ स्क्रैच आ गया उससे लड़ बैठे तो ये सारा क्रोध क्रोध जब एक बार आ जाता है तो सारी ही बुद्धि हर ली जाती है पर आप इंटेलिजेंसी नहीं दिखा सकते हैं लेकिन आपकी इंद्रियां कंट्रोल है स्टेबल माइंड है तो आपको दुख और हानि में कुछ भी नहीं होगा आप एक जैसे रहेंगे विचलित होंगे ही नहीं एक जैसा बिल्कुल रहेगा ना आप ज्यादा हंसेंगे ना रोएंगे बिल्कुल एक जैसे वो बोलेगा कि ए, ये स्क्रेच लग गया आप बोलेंगे ठीक है भगवान की इच्छा है वो बोलेगा पैसा आ गया ठीक है भगवान की इच्छा है भगवान को जितना आया उसमें भगवान को दे देंगे जो भी ये आसक्ति आ जाती है उसको ही शुद्ध भक्त बोलते हैं ऐसा ही भगवान यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं क्रोधान सम्मोह सम्मो महा स्मृति भ्रांस दब विद्य ना 63 में क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है और फिर जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल में फिर से गिर जाता है तो वो यही समझाना चाहते हैं ये एक चक्र है कि जहा पे जो लष्ट होता है अगर काम का आता है तो उससे मोह उत्पन्न होता है ग्रीड और उसके बाद क्या होता है क्रोध अगर वो पूर्ण नहीं होता क्रोध आता है क्रोध आता तो हमारी बुद्धि पूरी हर ले जाती कभी भी देखना जिसको क्रोध आएगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आता वो गलत भी कर बैठता है कुछ लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं कोई तोड़ देते हैं फिर बाद में उनको रियलाइज होता है ये कर दिया तो क्रोध जब आ जाएगा तो आपका बुद्धि मार जाएगा फिर आप उस लेवल से फिर गिर जाएंगे जितना लेवल अचीव किया फिर वो वहीं पे आ जाएंगे कि आप कुछ ना कुछ अपना नुकसान कर बैठेंगे समाज के सामने आप अपनी बेजती करा लेंगे दुर्बलता प्रकट कर देंगे लेकिन इसमें अगर भगवान ये बोलते हैं कि जो इंद्रियों का कंट्रोल कर लेता है और भौतिक आसक्ति का परत्याग कर देता है तो वो स्टेबल माइंड ले सकता है उसको कोई भी फिर परेशानी नहीं हो सकती है अब ये कैसे आता है इसका एक साइकिल बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट वस्तु ऑफ द सेंसेस और उससे कहीं अटैचमेंट हो जाए अटैचमेंट मतलब भौतिक आसक्ति से रुपया पैसा पत्नी बेटा माँ बाप सब चीज अच्छा चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कि जिससे हम खुश रहें आनंद में रहें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें उलझने तो आएंगी अड़चने आएंगी जो बोला गया था तो उससे क्या होगा कि हमें जब ये चाहिए होगा तो क्या होगा कि हमें लष्ट पैदा हो जाएगी लष्ट हो जाएगी अगर वो पूरा नहीं होगा तो हमारा एंगर हो जाएगा फिर हमें डिल्यूजन हो जाएगा और हमारी क्या होगा कि स्मरण शक्ति जो होती है मेमोरी जिसको आईक्यू बोलते हैं ईक्यू और एसक्यू तीनों ही गिर जाएंगे लॉस ऑफ इंटेलिजेंस और लॉस ऑफ इंटेलिजेंट हो जाएगा तो हमारा पतन स्टार्ट हो जाएगा पतन हो जाएगा तो बहुत जगह देखा होगा जब गुस्सा आ जाती है तो आज समाज पड़ोसी देखता कि ये कैसा चीख रहा है चिल्ला रहा है कोई कुछ भी कर रहा है कोई कुछ भी कर रहा है तोड़ रहा फोड़ रहा है ते तेज -ते बातें कर रहा है बाहर निकल रही ये बातें लोग देख रहे हैं समाज में है। तो उसका पतन स्टार्ट हो जाता है फिर उसको वहां से उठना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए ये साइकिल को ब्रेक करने के लिए एक ही तरीका है कि कृष्ण भावना भावित हो जाए तो ये हमारा जो क्रम है जो साइकिल है इसका टूट जाएगा तो हम अभी पतन हमारा नहीं होगा तो पतन हमारा रोकने के लिए इस साइकिल को हमें, ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमें लस्ट ही नहीं आनी चाहिए लस्ट नहीं आएगी तो हमें ज्यादा अटैचमेंट जो बोला तो अटैचमेंट को हमें कम करेंगे तो ऐसे करके ऑब्जेक्ट जो होता है वस्तु ये सारा मेटलिस्टिक है तो हमें मेटलिस्टिक्स नहीं कर रहा हमें भगवान से अटैचमेंट करना है तो ये कृष्णा का जो है सोल्यूशन टू अर्जुना ने ऑब्जेक्शन जो दिए गए कि दया का कंपेसन जो है 1.280 से अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहते थे और कृष्ण ने उन्हें क्या बोला संबोधित करते हुए तो उनका आंसर जो दिया 2.1130 कि हम शरीर नहीं हैं क्या हम वी आर नॉट द बॉडी ठीक है आत्मा है आत्मा है बॉडी के बाद आत्मा है जो कि ट्रांसफर हो जाती है कोई आनंद नहीं है नो no एंजॉयमेंट उनका एक क्वेश्चन था भगवान ने उसका आंसर दिया टू पॉइंट थ्री वन से टू पॉइंट थ्री सेवन में स्वर्ग या राज्य मतलब तुम अगर इस धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध में कुरुक्षेत्र में अगर मारे जाते हो बद होता है तुम्हारा तो क्या होगा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और नहीं तो तुम्हें राज्य मिलेगा जीतते हो तो दोनों तरफ से ही तुम्हारा क्या फायदा ही फायदा है पाप फियर ऑफ सिंपुल एक्टिविटीज मुझसे बद करेंगे तो पाप होगा तो उन्होंने बोला भक्ति गतिविधि में कोई पाप नहीं है क्योंकि भगवान बोल रहा है तो इसमें कोई भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा तुम कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो वो मुझ पर छोड़ दो चौथा पारिवारिक परंपराएं तो एक प्रेरणा बनो बी ए रोल मॉडल टू प्रिवेंट जो बोला गया वर्ण संक्रा तो इसमें जो छत्री होता है वो छत्री का कर्म करे एग्जाम्पल सेट करे तो ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि दूसरे उसको लीडर मान के फॉलो करें असमंजस इन डिसीजन टू पॉइंट फोर वन मिले दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें दृढ़ निश्चय के साथ जो भी जिसके भी आप आ सकती हैं जिसके भी आप शुद्ध भक्त हैं उसकी जो भी आज्ञा है उसका पालन करें तो ये आपके इसमें आंसर क्वेश्चन के आंसर हो गए यही उनके क्वेश्चन थे यही श्री कृष्ण ने उनको आंसर दिए अब यहाँ पे श्रीप्रुपाद क्या बोलते हैं जो हमारे परमिनेंट गुरु हैं स्वामी प्रपाद के कुछ शब्द मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है कि खटांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के सरागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत भ्रम निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है भगवत धाम तथा भगवत भक्त के बीच कोई अंतर नहीं है चूंकि दोनों चरम पद हैं अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्त में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना भौतिक जगत में इंद्र तृप्त के विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल भ्रम प्राप्ति जैसी है और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से ही पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग ज्ञान योग तथा भक्ति योग इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है तो इसमें जो कर्म योग बोला गया है कि कर्म योग मतलब जोड़ना आप कर्म को त्याग नहीं कर संन्यास नहीं ले सकते हो आपको कर्म को करना है डू योर ड्यूटी आपको ड्यूटी करना है और ज्ञान योग क्या होता है कि जो आप समझ जाना है कि किससे डीअैच होना है आपको रिजल्ट से से डी अटैच होना है कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है आपको और भक्ति योग में क्या है डिवोशन अटैचमेंट अटैचमेंट किससे करनी है भगवान से तो ये तीन चीजें आपको रखनी है हमेशा कर्म योग ज्ञान योग तथा भक्ति योग तो ये बहुत ही सुंदर चैप्टर था जिसमें कि बहुत सी लोगों की जो समस्याएं हैं वो इससे क्लियर हुई होंगी और अर्जुन की तो हुई गई थी जो उनके पास क्वेश्चन थे उनके आंसर दे दिए अब पांच मिनट करेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे पांच मिनट अभी दस में बच्चे भी हैं जो इससे लिंक है इसीलिए बता रहे बॉडी माइंड और सोल तो ठीक है माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो तो ये जो अभी बताया गया था कि जब हमें ईगो आती है इगोस्टिक जो हम बोलते हैं इगोस्टिक आती है तो बहुत ही ज्यादा हमें वो बंदा क्रोध में रहता है उसका कुछ भी अगर जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ उसका जो भी है आपने कुछ भी बोल दिया उसके एंगेज तो उसको हो जाएगा तो लेकिन ये पूरे को अगर समझे तो कैसे आता है कि बॉडी के अंदर क्या क्या है तो ठीक है जो पूरी जो बॉडी है वो पांच तत्व से जो बोलती बनी हुई है ठीक है वो क्या है अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर कहते ना पंच तत्व में बिलीन हो जाएगी बॉडी जलने के बाद उसके बाद क्या आता है सेकंड आता है सेप्टल बॉडी माइंड इंटेलिजेंट एंड फॉल्स ईगो उसके बाद आता है सोल इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस पूरा ही एक जो बॉडी हमारे सामने खड़ी दिखाई देती है उसके ये तीन चरण होते हैं तीन परतें होती हैं तो इससे हम समझ सकते हैं ठीक है कि सत्य आनंद जो बोला गया द सोल तो सोल सबसे अंदरूनी जो कवर होता है वो होता है जिसको कि हम भारी किसी भी आसक्ति से हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक कि वो भगवान का जपा नहीं करेगा क्योंकि बॉडी का जो बोला गया भोजन क्या है वो भोजन है जो आहार हम लेते हैं पोषक तत्व तो लेते हैं लेकिन उसका आत्मा का क्या है कि भगवान का जपा करते हैं भगवान की पूजा अर्चना करते हैं भक्ति योग जैसे बोला गया सोल बॉडीज तो ये बिल्कुल है मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये मेथड जो कल प्रभु जी ने पूछा था कि माइंड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो ये फिजिकल मेथड्स मेंटल मेथड्स और स्पिरिचुअल मेथड्स देर आर थ्री मेथड्स ठीक है फिजिकल मेथड्स में हो गया जिसमें बोलते हैं कि अष्टांग जैसे सुना होगा आपने जिसमें एम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरण और ध्यान आदि सम्मिलित है तो एक ये उससे आप ये कर सकते हैं तो इससे मेडिटेशन करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसके बाद जो फिजिकल मेथड में आता योगासन हो गया प्राणायाम हो गया ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी क्रियाज हो गया प्यूरिफिकेटरी टेक्निक्स हो गया सिटिंग पोस्चर्स हो गया ठीक है उसके बाद ईटिंग एंड स्लीपिंग ये भी बहुत जरूरी है कि बेड एंड अर्ली टू राइज बोलते हैं ना वेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज तो ये आप कब कर सकते हैं कि अगर आप जल्दी सो रहे हैं जल्दी उठ रहे हैं फिर सुबह उठ के माला जब कर रहे हैं भगवान का जब कर रहे हैं जल्दी सो जा रहे हैं तो आपका हमेशा ही आप हेल्दी वेल्दी रहेंगे और वाइज भी आपकी इंटेलिजेंसी भी बढ़ेगी गुडनेस जो बोलते ना कि गुडनेस में इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ आपकी लाइफ जो अगर आप पैंसठ साल जिएंगे तो अस्सी साल हो जाएगी अस्सी जिएंगे तो सौ साल हो जाएगी प्यूरिफाई स्ट्रेंथ हेल्थ है बड़ा जूसी भोजन लेते हैं और जैसे जो बोला गया आहार वैसा जो प्रसादम जैसा तो हमारी लाइफ बढ़ जाती है गुडनेस बोला गया है सच नरिशिंग फूड्स आर स्वीट जूसी फैटनिंग एंड पैलेटेबल Are, are so, तो रजोग हो हो रजो so, क्या होता है पहचान है जो काफी बेटर टू शोर सोल्टी पीनट जो ऐसा खाते हैं वो क्या होता है मोर्ड ऑफ पैसन में तो so, वो रजोगुड़ में आता है और जो तमोगुड़ी होते हैं जो वो क्या करते हैं सच फूड कॉज पेन डिस्ट्रेस एंड डिसीज फूड कुक्ड मोर देन थ्री आवर्स बिफोर बीइंग एटन विच इज टेस्टलेस स्टेल पेटरेड डिकम्पोज एंड अनक्लीन इज फूड लाइक बाय द पीपल इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस तो ये उनकी पहचान है कि जिसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं होता सड़ा गला जो कोई भी खा सकता है बिल्कुल जानवर के बराबर तो वो खाते हैं ये कौन तमोगुड़ी तो ये बताया गया तीन तरह के होते हैं गीता सेवनटीन पॉइंट एट और टेन वन पॉइंट जीरो में लिया गया ये पहचान इसमें बताई गई है तो ईट हमेशा जो बोला गया इतने ज्यादा आहार के लिए इतना भगवान ने दिया हुआ पृथ्वी पे ईट सात्विक फूड तो जिससे कि हेल्दी वेल्दी और वाइज रहेंगे ठीक है बहुत सारा छप्पन भोग जैसे बोलते हैं छप्पन भोग बना सकते हो तरह तरह के स्वीट बना सकते हो तरह तरह के पकवान बना सकते हो खा सकते हो सात्विक भोजन करना चाहिए उससे उम्र बढ़ती है ये देखिए कितने तरह के जूस कितने तरह के अर्जेंसी टू इंपोर्टेंस दूसरा कि इसमें जो बताया गया है कि कैसे क्वारडेंट में जो होता है कि क्या चीज अर्जेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नॉट अर्जेंट है क्या अर्जेंट नहीं है ठीक है कंप्यूटर गेम्स रूम क्लीनिंग ठीक है क्या अर्जेंट है क्या कंप्यूटर गेम्स अर्जेंट है क्या रूम क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है इंटरप्शन अर्जेंट है या नहीं है तो ये सब इ क्यू आई क्यू एसक्यू इसमें आता है इंटेलिजेंसी इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन में आता है तो ये डेली स्टडी ठीक है तो हम कैसा करते हैं हम अपना बिहेवियर कैसा रखते हैं हम पूरे दिन टीवी देखते हैं या कुछ हम स्टडी करते हैं तो उसमें ये आता है इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट हमें समझना पड़ेगा अर्जेंट और नॉट अर्जेंट हमें समझना पड़ेगा तो उनमें हमें फिल्टर करना पड़ेगा तो इसमें यह समझाया गया कि स्टडी जो है कि हमें जो भौतिक स्टडी हो गया फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो गया ये क्या है इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है तो इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है ही के लिए पर इससे अध्यात्म नहीं मिलता है तो अध्यात्म भी उतना ही जरूरी है ठीक है नॉट अर्जेंट ये अर्जेंट है सिगरेट ठीक है नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट में एग्जाम्स इन प्रोग्रेस दिखाया गया क्योंकि एग्जाम देना है तो ये हो सकता है अर्जेंट ठीक है इधर उधर की बुक्स पढ़ना गीता ना पढ़ना रूम क्लीन करना ठीक है नॉट अर्जेंट तो ये बताया गया कि अर्जेंट नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट आपको एक कर्म जो होता है कर्म करना है तो उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा समझना पड़ेगा क्या चीज अर्जेंट है क्या चीज अर्जेंट नहीं है ये क्वारेंट होते हैं दो तो प्रेराजर और द प्रोकेस्टिनेटर और द आई यस मैन जो होता है ना इसमें बताया गया क्वारेंट में कि सेकंड में जो नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट में आता है कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बैलेंस एंड हाई परफॉर्मेंस क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया जिसमें कि परफॉर्मेंस और दस मैन रिप्यूटेशन फॉर वींग ए प्लेजर लेक ऑफ डिसिप्लिन और फीलिंग लाइक ए डोर मेट फॉर द अडर्स टू बाइट देयर फीट ऑन और द स्लैकर लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गर्ल्ट एंड फ्लैकीनेस तो ये आपके आपको क्वाड्रेंट में समझना पड़ेगा कि कहाँ पे है कि अगर किसी चीज को खत्म करना है स्टेट एंजाइटी को खत्म करना है बर्न आउट करना है ठीक है अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है लाइफ को बैलेंस करना है तो वैसे ही बैलेंस जो पीछे बताया गया कि आहार बॉडी के लिए हो गया और भगवान के लिए क्या हो गया कि भगवान के लिए जो आप आसक्ति करें जो उसमें गीता में लिखा हुआ है थर्ड हो गया लिक्विड ब्यूटी जो बताया गया है जिसको वो सोचते हैं कि क्या होता है जब एक हम जवान होते हैं जब हमारा शिक्ष चरण होते हैं तो हम जब किशोरावस्था में होते हैं तो बहुत ही चाहे कोई भी हो बहुत सुंदर होता है लेकिन वो धीमे धीमे कितना भी कोई सुंदर ना हो लेकिन जब वो हमारा जब उम्र हो जाती है उम्र जिसे बोला गया ढल जाती है तो वो क्या हो जाता है वहां पे आप उसको देख सकते हैं कि जवानी पे क्या होता है बुढ़ापे पे क्या हालत हो जाती है टॉप टेन ओल्ड लॉस्ट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड देन एंड नाउ आप देख सकते हैं राखी गुलजार पहले क्या थी अभी क्या है Me hypnotized by the sounds of breathing and hold tight, hold tight, Chemicals collide. तो ये आपने देखा कि जो हम उसको उतना ज्यादा आसक्त नहीं हो पाते हैं जितना कि हम जवानी पे होते हैं तो ये लिक्विड ब्यूटी इसको जो भी पैदा हुआ है वो एक दिन उसकी मृत्यु तो निश्चित है बुढ़ापा आना निश्चित है स्किन में रिंकल्स आने निश्चित है तो ये एक जो प्रकृति का नियम है कि हम कैसे चेंज करते हैं कैसे दिखते हैं क्या होता है हमारा परिवर्तन तो चौरासी लाख जो यूनिया होता है उसे लांगना है तो उसे जब ही लांग सकते हैं तो इससे बढ़िया जब अगर स्ट्रगल अभी प्रभु जी ने एक मैसेज भेजा हुआ था कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं जपा में तो इससे बढ़िया है कि हम जपा करें नहीं तो स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें चौरासी लाख यूनियो को पार करने में तो ये आज की डेट में हमारा होता है कैसे दिखते हैं हमें कि हम कैसे देखते हैं और क्या दिखता है हमें तो ये हो गया अब ये फोर है वो कल कराएंगे क्वेश्चन आंसर लेते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी संजू प्रभु जी को अनुरोध करिए प्रभु जी मेरा प्रभुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है जो अपने आत्मा कहा आत्मा परमात्मा से आ रहा है है ठीक हम हम सुद, सुद आत्मा से आत्मा परमात्मा शुद्ध है शुद्ध आत्मा से आ रहे है हम छोटा अंग से तो भक्ति हम यहाँ आके भूल क्यों जाते हैं इस जगत में आके

हिसाब से ही हमारा जन्म होता है और उसके बाद हमारी वैसे ही गुड़ रहते हैं जो बोला सतोगुण रजोगुण तमोगुण उसके बाद हम जब प्रकृति के संसर्ग में आते हैं जो तीन गुणा बोले गए प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो उसे हम गोहते हैं जो दोहना बोलते हैं तो ये जो होता है काम और जो मोह उसकी वजह से हम इसके इसमें प्रकृति में फंस जाते हैं इसका हम प्रत्याग नहीं कर पाते क्योंकि भगवान ने पहले बोला हुआ कि वो हमारे कर्म है वो स्वतंत्र है ठीक है वो माया से स्वतंत्र हैं पर हम स्वतंत्र नहीं है क्योंकि हम मनुष्य हैं उनका अंश हमारे हैं पर हम परम नहीं है हम विग्रह जो तो बोला गया हम हम पर पर पूज परम नहीं है, क्योंकि हमें है, हम नहीं है पर वो है 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 क्योंकि अंश पूर्ण पूर्ण वो वो तो इससे आसक्त से बचे हुए हम इससे आसक्त रहते हैं तो हम ये ना समझें कि हमारा ये पहला जन्म है हमें जन्म जन्मांतर के हमारे साथ पाप और पुण्य चलते रहते हैं उसकी वजह से ही हम ये भन से नहीं छूट पाते हैं और छूटने के लिए कृष्ण की भक्ति हाँ छूटना अगर भी है भी। तो ये कलयुग में बोला गया है कि, कि, जो काल चक्र है उसे मिल सकता है कि आत्मा नित्य शाश्वत है जो बोला गया ना कि मां हिंसा कि तो किसी अगर जीव हिंसा नहीं करनी जैसे वेद और शास्त्र में लिखा गया तो नहीं करनी है अगर नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा और जो भी बोला गया कि अगर कोई भी मनुष्य है अगर उसको बैषण है वो अगर वेद और शास्त्र की नॉलेज है लेकिन अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वो क्या है कि वो जिसको बोला कि गुरु नहीं है लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है और कृष्ण की पूजा कर रहा है तो उसके सारे ही पाप है वो बर्न हो जाएंगे वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा तो कभी क्या होता है कि हम ऊपर से दिखाते हैं जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि कोई बाबा है वो ऊपर से तो दिखाता है कि मत तिलक लगाया हुआ है बहुत ज्यादा नॉलेज है वो यही है लेकिन थोड़ा ही थोड़ी देर हम बात करने के बाद पता चल जाता है कि वो अंदर से ऊपर से ही दिखावा है छल कपटी है लेकिन अंदर से तो उसको इतनी कामना भरी पड़ी है उसमें सब सब कुछ है उसको लस्ट भी है ग्रीड भी है एंगर भी है सब कुछ है तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है आपने बिल्कुल प्रभु जी सही बोला है कि कृष्ण कि भावना भावित है तो कृष्ण भावना भावित में हमको ऊपर उठना पड़ेगा तमोगुण से रजोगुड़ रजोगुड़ से सतोगुड़ सतोगुण से ऊपर है भक्ति योग तो हमें भक्ति साधना भगवान की करनी पड़ेगी तो हम इस सभी भी जो जो बोला लिब्रेशन उससे मुक्ति हमें मिल सकती है हम जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है

वो डिवोटेड uh, नहीं है भगवान की तरफ पर अगले इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं इसीलिए इसी एसोसिएट नहीं होना चाहता हूं क्योंकि वो मेरी ईगो है तो uh, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है नहीं वो उसे समझने तो उसका पर्सनल परसेप्शन है अब यहाँ पे संजय भग, भगवान को देख रहे थे संजय भगवान को समझ रहे थे वो ही गीता का एक श्लोक बोल के दत्तराज नहीं समझ पाए लास्ट तक उनको पता था ये भगवान है लेकिन नहीं मान पाए मोह में तो दूसरे का परसेप्शन आपको ऊपर नहीं आप क्लेरिफाई करने जाएंगे भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है और प्रभुपाद ने तात्पर्य भी लिखा हुआ है कि जो वासुदेवा सा महात्मा सदुर्लभा क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण या जो वासुदेव है वो सभी कुछ है अगर उसको आप नहीं मान रहे हो नहीं समझ रहे हो तो वो उसका परसेप्शन है और प्रभुपाद ने लिखा हुआ है कि कोई बिरला ही होता है जो कि भक्ति योग में जाता है बिरला ही मतलब हजारों लाखों में एक ही होता है जो समझ पाता है तो हो सकता है वो समझ नहीं पा रहा लेकिन आपको तो पता है कि आप गीता का उपदेश मान रहे हैं गीता आप जान रहे हैं समझ रहे हैं उसको आप डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं अपनी डे टू लाइफ में आप किसी के पर्सनल परसेप्शन के लिए नहीं आए ना किसी मानव सेवा के लिए कि वो बोल रहा है गलत हूं तो मैं गलत हूं वो बोले तो सही हूं तो मैं सही हूं ऐसा नहीं है वेद ने क्या बोला हुआ शास्त्र ने क्या बोला हुआ उसके हिसाब से आप गलत चलो ठीक है आप गलत हैं आपने हत्याएं कर रखी हैं आपने आप काम वासना भी करते हैं मन में सब छिपाए हुए हैं आपका दोस्त बोलता बहुत अच्छे आदमी हो तो क्या आप अच्छे हो जाओगे नहीं हमारा रेफरेंस है वेद और शास्त्र गीता में क्या लिखा हुआ है वो अगर अच्छा है तो आप अच्छे हैं क्योंकि कल आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको दोस्त दो लाख रुपए पांच लाख रुपए नहीं दे देगा वो ही आपकी बदनामी करेगा ठीक है कोई गलत काम कर देते लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट आपका दोस्त नहीं रेफरेंस पॉइंट आपका है गीता रेफरेंस पॉइंट आप भगवान श्री कृष्ण में लगाना क्योंकि भगवत धाम केवल भगवान श्री कृष्ण ले जाएंगे आपका दोस्त नहीं ले जाएगा वो पहले अपना ही दोस्त बचा ले अपना ही वो चौरासी लाख एनियो को क्रॉस कर ले वही बहुत बड़ी बात है जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण नेक्स्ट हरे कृष्णा आलक कुमार प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी मैं आलोक प्रभु जी मैं इसकोन द्वारका से जुड़ा हुआ हूँ और प्रभु जी एक सवाल था मेरा आहा। कि आहा। आज कल की जीवन रोजमर्रा की जीवन में प्रभु हम देखते हैं कि कोई अगर, अगर अपने कार्य में फंसा हुआ है और वो अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहा है और वो इस उपलक्ष्य में आके ये बोल देते हैं कि इससे अच्छा तो मरना बेहतर होगा और मतलब हमारा कार्य नहीं पूर्ण हो पा रहा है तो उसके पीछे क्या मतलब प्रभु जी हमारी आत्मा नहीं सुखी है या इसके पीछे कुछ और ही मतलब कारण होता है ये जो मुख्य निकलता है अच्छा मरना ही बेहतर होगा हमें तो प्रभु जी उसका सिंपल है प्रभुपाद ने लिखा हुआ है नित्य चोक्ता सारी रहा दुर्बलतम कृपाणी है मतलब वो इतना दुर्बल है कि, कि वो कर्म नहीं करना चाह रहा है क्योंकि कर्म जो करना पड़ेगा तो तीन तरह में कर्म होते हैं एक कर्म होता है जिसको स्वधर्म बोलते हैं एक विकर्म होता है एक होता है अकर्म ठीक है तो अगर वो कर्म नहीं कर पा रहा है तो भगवान यहाँ पे अर्जुन भी कर्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें दुविधा थी कर्म भूल गए तो कर्म संन्यास कर्म त्याग नहीं करना है यहाँ पे भक्ति जो बोला गया है वैराग्य जो है भगवान की भक्ति करनी है अगर जो नहीं कर पाता है तो ऐसा एग्जाम्पल प्रभु जी आप ले सकते हैं कि बच्चे तैयारी करते हैं आईआईटी वगैरह का उसका उसमें मार्क्स नहीं आते पास नहीं होते तो वो आत्महत्या कर लेते हैं तो ये दुर्बलता हुई तो अर्जुन भी यहाँ पे दुर्बल हो गए थे वो अपना जो छत्री धर्म थे वो भूल गए थे भगवान उनको याद दिलाए तो भगवान ही एक ऐसी शक्ति है जिसमें रहते हुए हम याद कर सकते कि हम क्या है तो जो भी प्रभु जी बोलते हैं उनका काम नहीं हो पाया मर जाना ही अच्छा है इसके मतलब वो वो दुर्बलता दिखा रहे रहे हैं इस लाओ के योनियों को क्रॉस करके आए पर अपने आपको समझ नहीं पा रहे क्योंकि भगवान का अंश है तो इससे बढ़िया अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें भी कुरुक्षेत्रा में भी नहीं समझ पाए थे क्योंकि वो जब उनकी सभा में गए थे दुर्योधन के तो उन्होंने पांच गांव मांगे थे भगवान ने तो वो पांच गांव भी नहीं देगा और दुद्क के भगाने लगा और बेजती करने लगा ओके इनको बंदी बना लो तो उन्होंने अपना जो उनके पास पावर था भगवान थे वो तो उन्होंने अपना रूप दिखा दिया उसके सामने कुछ भी नहीं चल पाया ना बंदी बना पाया ना तो उसमें बैठे हुए विदुर उन्होंने नमस्कार किया आचार भी जानते थे और भीषण पिताम ही भी जानते तो ये प्रभु जी समझने वाली बात है कि कोई भगवत जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो समझ जाता है और जो नहीं समझ पाता वो नहीं समझ पाता तो हमें इतना दुर्बल नहीं होना चाहिए तो प्रभु जी जो भी ऐसा सोचता है कि हमारा मर जाना ही अच्छा इसके मतलब वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे और भगवान उनको मनुष्य का जीवन दिया है वो जीने के लिए आनंद में जीवन कभी ना समाप्त होने वाले आनंद में जीवन को तो वो अपना कर्म करें और अपना उनके पास टाइम है तो माला जब करें क्या दिक्कत है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा अग्रिम प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हरे कृष्णा अग्रिम प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा जब भीष्म पितामह कांट, कांटों की शी, भानों की शैया पे लेटे हुए थे तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा था कि मैं अपने सौ जन्म देख चुका हूं और मुझे ऐसा कोई पाप नहीं मिल रहा जिन जिसकी वजह से मुझे ये ये जो है ये स्थिति भोगनी पड़ रही है तो कृष्ण जी ने कहा था कि एक जन्म में तुमने एक अपने सेवक से कहा था कि जो रास्ते पे सांप पड़ा हुआ है उसको उसको साइड कर दो तो वो सांप कांडो कांडो पे जाके गिरा था उसकी वजह से तुम्हें ये भोगना पड़ रहा है और कृष्ण कृष्ण ने ये भी कहा था कि मुझे कर्म इसलिए नहीं बांधते क्योंकि मैं अनासक्त होकर कर्म करता हूं ये अध्याय नौ में कहा हुआ है तो प्रभु जी क्वेश्चन क्या है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भीष्म पितामों को क्यों पाप लगा भीष्मितामा को पाप लगा जब क्योंकि उसने द्रोपदी करुणा दिखाई थी नहीं करुणा की दिखाई थी पर उनके आतताई का उन्होंने साथ दिया ना अगर किसी आतताई का जो छे आपको हमने पहले लक्षण बताए थे आतताई का साथ दिया द्रौपदी का चीर अड़ हुआ तो सबसे बुजुर्ग होते हुए भीष्मितामा क्या ऐसा उनके पास था कि उनके पास पावर नहीं थी एक अंधे को उन्होंने राजा देख स्वीकार कर रखा था इसके मतलब थोड़ी की वो भीष पितामा नहीं था वो उस परिवार के सबसे पितामह थे वो चाहते तो रोक सकते थे लेकिन आतताई का साथ दिया उन्हें भी मोह था क्योंकि हमारा हमारा जो पुत्र है हमारा जो बैठा हुआ है धत्राष्ट्र वो सुखी रहे तो कहीं ना कहीं उनके चुका हुआ, है, और उसके बाद जब उन्होंने शतरंज खेली हुई है तो शकुनी ने क्या किया सभी पता था उसने पाप किया उसने गलत खेला तो उनको उसमें फसाया तो ये ये आ, आप उतने ही आतताइयों का साथ देते हो आतताइयों को आतताई जैसा अगर आप में पावर है आप सक्षम है तो जो छत्री थे वो तो अर्जुन भी छत्री था ठीक है वो वो भी युद्ध कर सकते उन्हें तो, तो जबकि वरदान प्राप्त था कि वो उनकी इच्छा मृत्यु होगी ठीक है तो वो तो लड़ सकते थे दुर्योधन को भी भी किसी से भी वो कर सकते थे भगवान का तो, उन भक्तों को बहुत हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने कोई कर्म नहीं किया तो भगवान श्री कृष्ण को ही उन्होंने बताया हुआ कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया हुआ है तो उन्होंने आतताई का साथ देखे द्रोणाचार भी शुद्ध भक्त थे आचार्य थे लेकिन आतताई का साथ दिया क्योंकि वो उधर कौरवों की तरफ साथ देना उनका ऐसा वो दुर्योधन को नाराज नहीं करना चाहते थे दुर्योधन नाराज होगा उनका पिता नाराज होगा उनकी माँ नाराज होगी तो ये क्या हो गया तो इतना दुर्बल क्यों होना इतना कृपाण क्यों होना कि आतताई का साथ दे दे तो धर्म के साथ जो होता है वो धार्मिक माना जाता है शुद्ध भक्त माना जाता है भगवान उसकी तरफ होते हैं और जो आतताइयों की तरफ होता है अधर्म की तरफ चाहे कोई भी हो वो अधर्मी माना जाता है प्रभु अच्छा जी अच्छा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी अपने हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी वो मैं ना कल की क्लास नहीं ले पाया था और रिकॉर्ड भी नहीं देख पाया था आ तो रिकॉर्डिंग तो मैंने ग्रुप में डाल दी है प्रभु जी अच्छा और दूसरा प्रश्न ये था कि वो जब हम माला का जाप करते हैं सुबह तो उसका खाने पीने का भी नियम होता है क्या प्याज वगैरह इन सब का तो? नहीं नहीं प्रभु जी कोई अभी एक माला जब करने में कोई आपका कोई भी नहीं है कुछ भी नहीं है आप करिए आराम से जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए कोई कुछ नहीं छोड़ना है वो लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर आएगा उसके हिसाब से सब कुछ बना हुआ है अभी लेवल वन में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है कोई नियम कानून नहीं है आप खाके माला जब करिए बगैर खाके करिए कैसे भी है लेकिन आप शुद्ध जगह पे माला रखें और आराम से शुद्ध करें और मंत्र पढ़े और समय कुछ भी विचार नहीं आने चाहिए ठीक है प्रभु जी और वो एक प्रश्न और आ रहा है मैंने जब भगवत गीता बाय करने का गया था मैं तो उस पर पे ऑनलाइन पेमेंट आ रहा था पर मेरे को कैश ऑन डिलीवरी में फायदा है क्योंकि ऑनलाइन इतना है नहीं तो मेरे पास में स्कॉन मंदिर है तो मैं वहां से श्रीला प्रभु पाद की लिखी हुई ले लू हाँ यस यथारूप वाली लेना ले सकते हैं प्रभु जी आप ठीक है प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्णा नेक्स्ट और तो कोई 100 है नहीं प्रभु जी संजू प्रभु जी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही बहुत क्या कुछ चेंज किया आपने मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे अभी तो संजू संजू प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्ण नाम मैं बोल रहा था जो ये जो श्रीमद भागवत गीता है वो किसने ने किसने ने अर्जुन को बोला तो हमारे बीच में श्रीमद भगवत गीता कैसे आई जिनल मे श्री कृष्ण से, हाँ, से वही बोला कैसे हमारे बीच में आया हम, हमको कैसे पता लगेगा जो कृष्ण ने बोला था वही हमारे बीच में आया ऐसे कैसे पता चलेगा हजारों गीता है बाजार में हाँ तो कैसे पता चलेगा? हाँ, गीता है हाँ बिल्कुल सही प्रभु जी आपने बोला हुआ कैसे पता चलेगा तो क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे नोटबुक होती है प्रमाण होता है हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ये कौन इसका राइटर है तो जब भी ये बना हुआ था तो श्री कृष्ण ने जब अपने मुख से बोली तो उसको भग, जो वेद थे वो भगवान का ही अंश थे वो जब भी भगवान नीचे पृथ्वी पे लीला करने आते हैं तो उनके आसपास पूरी ही अपनी जो बोलते हैं ना टीम लेके आते हैं जैसे प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो प्रधानमंत्री खुद हाथों से थोड़ी लिखता है उसके साथ तो पीए रहते हैं आई ऑफिसर रहते हैं विदेश में जाता कहीं भी जाए ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जब बोली तो संजय तो उन्हें धृतराष्ट्र के लिए बता रहे थे जिनको वेद जी ने दिव्य नेत्र दिए हुए थे उधर अर्जुन सुन रहे थे इधर वेद जी उनको सुन के लिख रहे थे ठीक है कि उनको पहले ही ज्ञात था कि ऐसा होने वाला है जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ था तो ये भगवान की लिखी हुई है वेद व्यास जी की लिखी हुई है तो ये काफी वर्षों से जैसे चला आया कि किसने किसको ज्ञान दिया ज्ञान तो गुरु परंपरा में ये लिखी गई जैसे आपका मकान का, घर की रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री तो आज, आज आज आपके पिता के सामने लिखी गई लेकिन वो आपको दे के जाएंगे तो आप रखेंगे संभाल के फिर दूसरा रखेगा कल अगर आप बोलता कि ये घर आपका नहीं है आपको निकाल देते हैं तो आप क्या दिखाएंगे रजिस्ट्री तो क्या वो सरकार या हम मना कर दें कि ये रजिस्ट्री नहीं हम नहीं मानते क्योंकि मैं तो उस समय नहीं था आप मानेंगे ना हरे कृष्णा नेक्स्ट हरे कृष्णा देव प्रभु जी देव प्रभु जी अपना और क्वेश्चन पूछे प्रभु जी हाँ आवाज आ रही है प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जब भगवत गीता लिखी गई थी तो उसके बाद ट्रांसलेट होती गई फिर कॉपीज बनती गई तो वो जो असली बिल्कुल जो ओरिजिनल जो पन्ने हैं वो इस वक्त कहाँ रखे हुए हैं ये तो प्रभु जी प्रभु जी मुझे भी एक्चुअली तो मालूम नहीं है लेकिन ये भगवत गीता जो रूप है ये बिल्कुल ही उसका रूप है वो जैसे हमारा हिस्ट्री होती है यार कि वो गवर्नमेंट के के पास पास या किसी किसी शुद्ध मंदिर में किसी भक्त के पास ही होगी तो इतना मुझे इसका डिटेल नहीं है मैंने पूछा भी नहीं प्रभु जी मैं गुरु जी से पूछ के आपको बता सकता हूँ कल आंसर दे दूंगा पर ये जो यथारूप है ये उसी का वो अः यथारूप जो बोलेगी बिल्कुल इसमें मिलावट नहीं है ये उसी का रूप है तो ये ऐसे आई हुई है जैसे वेद व्यास जी ने फिर नीचे ट्रांसफर की सुखदेव गोस्वामी ऐसे करते करते उनके फिर जो हमारे गुरु हुए जो श्रील प्रपाद उनके पास तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा में चली आई है तो ये उसके ओरिजिनल भी उसके पास होगा ओरिजिनल से ये सारे आए हुए हैं पर ओरिजिनल आज की डेट में किसके पास है उसका मुझे सार नहीं है ठीक है प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण दिगंबर प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं दिगंबर असली कहा रखी हुई है हुँ. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए पहले जो ये चीजें ना सुन के होती थी कोई लिखित रूप में नहीं होती थी पहले वेद भी जैसे होते थे महाभारत भी पहले जो लिखा गया था ये कहा जाता है वेद व्यास ने रचयता किया उसको जी ने गि जो, जो कागज में लिखी हुई है दो हजार साल से कैसे कोई चीज रह सकता है क्या लिखित रूप में नहीं होता ना तो ये गुरु शिष्य परंपरा से ही आई है जैसे इसको में भी बहुत पुराने से परंपरा चलती आ रही है वो आगे जाके आपको समझ में आएगा कि क्या क्या है कैसे ये चलती आ रही है तो लिखित जो करें ऐसे नहीं ऐसे पांडुलिपि आप हजार पांडुलिपे मिलेगा आपको बहुत सारे तरीके से मिलेगा कहीं जैसे साउथ की तरफ जाएंगे तो वहां वेद लिखित रूप में लिख है लेकिन वो वो असली वेद कैसे है कैसे पता चलेगा आपको ये असली वेद तो जैसे एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूट होता है ना तो इसको ऐसे बोनाफाइड इंस्टीट्यूट है क्योंकि इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर है जो एक के बाद एक के बाद ऐसे होते, होते होते हमारे पास आया है तो ये ऑथेंटिसिटी है बस अब जो क्वेश्चन पूछा था ना लिखित ये क्वेश्चन ऐसे नहीं अब मैं बोलूंगा कि 2000 साल पहले कोई जैसे कपड़ा था वो कहा मिलेगा ऐसा तो नहीं मिल सकता ना समय के का के अनुसार अनुसार काल का सब चीज तो खराब हो जाती है तो ऐसा नहीं है आपको अगर कोई दिखाता है या गूगल में आपको मिलता है कोई बताता है तो फ्रॉड है सही नहीं है ऐसा कोई लिखित रूप में नहीं है पहले सुन के ही होता था बाकी ये जो दिखाते हैं कि हाँ गूगल में आ जाता है कभी कभी नहीं ये यहाँ संरक्षित रखा गया है वो गलत हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऋषि प्रभु जी अपना हरे कृष्णा ऋषि प्रभु मेरा सवाल ये है yes. हरे कृष्णा हाँ मेरा सवाल ये है कि जैसे ही मृत्यु होती है किसी की तो आत्मा उसी वक्त शरीर को त्याग के चली जाती है या फिर कुछ टाइम लगता है नहीं जब जब आत्मा निकलती है तभी मृत्यु होती है आत्मा निकल जाती तो चेतना निकल जाती कुछ टाइम नहीं लगता है आत्मा निकलते ही बॉडी बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि ठंडी पड़ गई जैसे बोलते हैं तो आत्मा मर म, मरते इसलिए है कि आत्मा निकलती है तो ये मेडिकल साइंस में वो लोग सीपीआर देते हैं जब वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और वो सब हो जाता है तो वो लोग सीपीआर फिर से ले आते हैं तो वो क्या हुआ आत्मा आत्मा फिर से आ गई या उसमें थी बस आ, आत्मा उसमें थी, थी से वो, चेतना आत्मा थी उसमें मरा ही नहीं था वो इसलिए वापस आ गया मरने वाले कोई जीवित नहीं कर सकता कोई साइंस नहीं कर सकती जीवित अगर ऐसा होता तो अभी सभी जीवित हो जाते तो अमेरिका और यूरोप वगैरह सारे जीवित कर लेते ठीक है प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ प्रभु जी पार्थ।, पार्थ पार्थ प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा यस हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी की किसी भी जीव को मारना कब धर्म है और कब अधर्म है धर्म अधर्म कहा हिंसा है हिंसा बोलो हाँ तो इसमें बोला गया ना वैदिक जो आदेश है वैदिक आदेश क्या है हम अपने हिसाब से नहीं बता रहे जो हमारे गुरु ने सिखाया हुआ है वैदिक आदेश क्या है वैदिक ऐसा है मा हिंसात सर्वाभूतानी मतलब आपको किसी भी जीव पे आपको हिंसा नहीं करनी है उसे नहीं मारना है तो फिर ये तो वैदिक आदेश है आपको जान के अब जैसे ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई आपको सांप काट रहा है तो उसको आपको लात नहीं मारनी है भगाना नहीं है, तो आप काट लेगा क्योंकि वो कर्म गलत कर रहा है तो आपकी टेरिटरी में जो आ रहा है आपको जो जो वेद में लिखा हुआ उस, लेकिन आप जान के नहीं कर सकते हैं तो आपका क्वेश्चन ये है कि कब मारना कब नहीं वो तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप अपने को बचाना चाह रहे हैं और वो आप पे गलत कर्म कर रहा है ठीक है तो आप अपना बचा सकते हैं अपनी रक्षा कर सकते हैं तो रक्षा में ये हुआ कि आप रक्षा करके बच भी सकते हैं बगैर मारे और आप मारे बच भी सकते थे लेकिन तब भी आपने मार दिया तो वो पाप होगा तो ये उस समय सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं लेकिन अब वैदिक आदेश के अनुसार आपको हिंसा नहीं करनी है आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और वो चीज जा सकती है तो उसको छोड़ दीजिए ऐसा नहीं कि वो जा भी सकती थी तब भी आपने मार दिया जैसे छिपकली है वो आप पे गिरी और आपने देखा उसको लात से मार दिया ठीक है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी अब सर्प काट रहा है आपको तो आप कोशिश करिए बचने की उसको बुला के किसी को दे दीजिए चला जाइए लेकिन आप सोच रहे हैं उसको अब लाठी से मार ही देंगे तो अगर जो चीज बच सकती है तो उसको वैदिक आदेश के अनुसार कि आपको हिंसा जीव हिंसा नहीं करनी किसी भी की जीव हिंसा नहीं करनी वो पाप माना गया है प्रभु जी ओके okay, प्रभु जी और मेरा दूसरा यह सवाल है कि अगर कोई अधर्मी है या कोई ऐसा व्यक्ति है वो मेरे पास से गीता मांगता है तो क्या मैं उसको दे सकता हूँ हाँ यस गीता सभी के लिए है गीता 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 जो यथारूप गीता है वो किसी को दे सकते हैं अगर इससे बढ़िया आपका डिवोशन सर्विस क्या होगी दिसंबर में गीता जयंती होती है तो हम लोग गीता बांटते पर फ्री में जब हम देते हैं ना प्रभु जी किसी को तो फ्री की कदर नहीं होती है ठीक है अगर वो शुद्ध भक्त नहीं वो पढ़ना नहीं चाहता है तो वो इधर उधर फेंक देगा तो इसलिए कोशिश कीजिए इससे बचिए कि आप किसी को फ्री में बांटते दे रहे हैं अगर वो आपको विश्वास है कि वो शुद्ध भावना कृष्ण भावना भावित होना जा रहा है तो आप उसको गीता दे सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है नहीं ऐसी पड़ी हुई है तो गीता का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए आदर करना चाहिए कि भगवान के मुख से निकली हुई और लिखी गई और बोली गई है हाँ लेकिन अगर हमको पता ही है कि वो नहीं करने वाला है और वो मानता ही नहीं है ऐसी बा, बातों में और वो सामने से मेरे पास से मांग रहा है कि मुझे भगवत गीता चाहिए तो क्या पैसे हाँ उसे बोल दो तो यहाँ मिलती है पैसे से ले लेगा वो अच्छा हाँ आप उसे पैसे ले लो उसके बाद आप दे सकते हो जब पैसा जाएगा तब वो करेगा वो सोच रहा होगा आप फ्री देंगे शुद्ध भक्त हैं आपने बोला हुआ कि मैं गीता सीख रहा हूं, तो सोचा बढ़िया इनसे मिल जाएगी अगर जिसको भगवान भगवत धाम जाना है और उसके पास अगर पैसा है तो वो खरीद सकता है खरीदने वाली की वैल्यू हमारे गुरु का आदेश ये है कि गीता हमें फ्री में नहीं देनी चाहिए ठीक है प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण ये संजू प्रभु जी अपने आपको अडमिट करे इनका संजू तो प्रभु जी इनका तो हो गया था ये फिर के चैट बॉक्स आए क्या आ, चैट बॉक्स में है क्वेश्चन मेरा सवाल है कि भगवान ने अनेक ब्रह्मांड में अनेकों लोग बनाए हैं उसमें जीव हैं जैसे हमारे सौर मंडल में पृथ्वी है उस पर जीवन है तो भगवान ने ये जीवन क्यों दिया है और देते जा रहे हैं और हम लोगों को भगवान के पास जाने के लिए भक्ति करने पड़ रहे हैं भगवान को अवतार लेना पड़ रहा है है तो ये इतने सारे लोग जीव भगवान 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 क्यों बनाते जा रहे हैं इसमें इसमें का का क्या स्वार्थ स्वार्थ प्रभु जी कोई नहीं है तो भगवान ने कब बोला तो भगवान ने तो जब कोई पुत्र बनाता है तो अपने भी पुत्र जब कोई पैदा होता है करता है तो वो तो आनंद में जीवन के लिए करता है कि चारों तरफ खुशहाली हो आनंद में जीवन हो लेकिन हम भौतिक की प्रकृति में आके तो भगवान इसे बिल्कुल जो बोलते बोलते हैं हैं ना कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट बिल्कुल डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट जिसको वो है हमारे हमारे उसमें कर्म से उनको कोई लेना देना नहीं है अब वो कर्म से बंधे नहीं हुए वो आसक्त नहीं है तो उन्होंने तो ये सृष्टि की रचना इसलिए की थी कि जैसे हमारा पिता होता है वो पुत्र को करता है तो पुत्र अच्छा ही करेगा हम बिल्कुल जो भक्त बोला गया अब ऐसा बनेगा लेकिन ये थोड़ी होता है कि वो उनके कर्म में भी आ जाए तो कर्म की आसक्त हो जाता है तो भगवान ये कभी नहीं बोलता कि हमारे हमारे कर्म कर्म में वो हमें बांध देगा तो हम कर्म से हमें कोई नहीं बांधा हुआ हम कर्म से फ्री हैं तो हम अपने कर्म में और विकर्म में अकर्म में हम कोई भी कर सकते हैं तो उससे जब करते हैं तो हमें ये आसक्ति आती है और हम बमबंधन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं तो भगवान ने जैसे अब सतयुग था तो सतयुग में सारी तरफ आपने देखा इतने पापी नहीं थे खुशहाल था ठीक है धीमे धीमे फिर द्वापर त्रेता जैसे ही आया वैसे ही हमारा आसक्ति बढ़ने लगी तो ये तो एक भगवान की एक रचना है उसमें हम ये लगे रहते हैं लेकिन उससे हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए अब ये होता है कि हम कोई भी नहीं हो। आपका क्वेश्चन होगा फिर पैदा ही क्यों किया सृष्टि की रचना ही क्यों की ठीक है तो सृष्टि की रचना तो ये जो सृष्टि चलाने के लिए क्योंकि अगर हमारा मकान है तो मकान को हम खाली छोड़ देंगे तो खंडर हो जाएगा तो इसलिए ये भगवान का जो ब्रह्मांड बनाया है ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है उनमें जीव है ठीक है भगवान की हमें शरीर के अंदर अंश है तो उसमें अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो मृत तो जैसे बोला गया मृत तो जन से छुटकारा मिल जाएगा तो अगर करते जाएंगे तो हम सारे लोग भगवत धाम चले जाएंगे कम लोग बचेंगे जो बचेंगे वो आतताई होंगे वो अपने जो पूजा पाठ करेगा भगवान से प्रॉस्पर्टी लेगा वो जो उच्च लोका वो वहां चला जाएगा तो धीमे धीमे यहाँ पे शुद्ध भक्त फिर आने लगेंगे वो जब तक चाहेगा तब तक रह सकता है अगर उसको लगेगी इच्छा कि हमें पृथ्वी लोग को फिर जाना फिर आने लगेगा तो एक तो ये पूरी भगवान की बनाई हुई साइकिल है उसमें मनुष्य कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा उन्हीं का एक क्वेश्चन है धीरज प्रभु जी का तो सर हमको भगवान ने परम धाम में क्यों नहीं रखा परम धाम में आपने नहीं रखा तो आप पहली बार तो भगवान ने आपको जैसे मनु हो गए फिर वंश हो गए वहां से अगर पैदा हुए हैं तो अभी आप आके अगर परम धाम आप रखते तो अगर आपके अभी भी आपको मौका है इस कलयुग में भी परम धाम में रख सकते थे तो आपके जन्म जन्मांतर के जो पूर्व कर्म है जिनको मेच्योर्ड सिंफुल एक्टिविटी बोलते हैं उसकी वजह से हमारा तय होता है कि अगला जन्म क्या मिलेगा अगर हमें परम धाम में नहीं रखा तो आप कैसे बोल सकते हैं कि परम धाम के लायक में था परम धाम जाने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा इस जो बोला गया मुक्ति अगर वो मिल जाती है तो हम परम धाम रहेंगे तो जिन्होंने भक्ति दिखाई हुई है वो परम धाम जैसे पांडव बोले कि डायरेक्ट परम धाम गए हुए थे तो ये सब उच्च लोका स्वर्ग लोक और परमधाम वो ही जाते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं तो हम इसलिए नहीं गए कि हम शुद्ध भक्त नहीं थे अब हम भक्ति कर रहे हैं तो अब हमें उम्मीद है कि हम भगवत धाम जा सकते हैं हमें रास्ता पता चला है तो हमें रास्ता भी पता होना चाहिए प्रभु जी 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 कंप्लीट हो गया ओके और कुछ नहीं है प्रभु जी पर जी जी ने गणेश के दांत दांत से लिखी थी प्रभु जी कोई बात विवाद ना हो तो आपसे पर्सनल में बात देव सिंगल प्रभु जी पार्वती जी ने तपस्या किया था उसके पीछे वे करण था कार्तिकी जे जन्म के दिवाइन लव में कोई लॉजिकल रीजन होता है पर प्रेम तो शिव पार्वती ने भी किया था वो भी स्वामी का चटर्जी हरे कृष्णा प्रभु जी अगर किसी में कृष्णा प्रेम नहीं है अपने धर्म को लेके कोई नॉलेज ही नहीं है और जानने की थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है सब धर्म को इतना ही मानता है तो अपने प्रभु अपने धर्म से सब कुछ चोर के दूसरे धर्म में जाने में भी वो दोबारा सोचेगा नहीं तो ऐसे व्यक्ति को कैसे कि कैसे उसमें कृष्ण प्रेम हाँ तो ये जो माता जी है क्या है क्वेश्चन जी, जी तो है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित होना चाहते पर प्रेम नहीं करते हैं तो उनको हम कैसे लाएं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर पास में कोई स्कोन मंदिर है आप वहां पे ले जाइए वो कृष्ण जब बैसणम किसी सी, के बैसणम में वहां कीर्तना और संकीर्तन होगा प्रसादम लेंगे तो धीमे धीमे वो वहां पे जाने लगेंगे और धीमे धीमे उनकी आसक्ति होने लगेगी तो वो वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन एकदम अगर किसी को बोलेंगे तो नहीं होंगे तो ऐसे ही ये गीता का चल रहा है तो उनको बताइए कि मुझे क्या फायदा हो रहा है और गीता में कनेक्ट करिए और क्लास देखिए उसके बाद उनको वहां पे मंदिर लेके जाइए वो प्रसादम लेंगे तो वो फिर उनको कृष्ण प्रेम होने लगेगा वो कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले वो किसी की पूजा कर रहे हैं तो वो छोड़ दें अगर ऐसा दबाव डालेंगे छोड़ के इनको पकड़ लें ऐसा नहीं आपको तोड़ना नहीं जोड़ना है वो अपने आप जब जुड़ जाएंगे तो वो खुद अपने आप डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है प्यार, तो नहीं क्या दो लोगों में प्यार भी भौतिक मोह है हरे कृष्णा प्रभु जी मैं कल क्लास में हाँ हो गया मेरे हिसाब से हरे कृष्णा तो चलते हैं प्रभु जी हाँ तो बांचा कल्बुत कृपा सिंधु पतित नाम पावनियो वैसणो नमो नम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे